लोग सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग कर लो और उसके बाद उसे यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ना उसका लिंक मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो, ताकि मैं ना आप लोगों को फिर वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूँ ग्रुप में। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सोर्सिंग का टॉपिक है। मैं वैसे हमेशा जब भी आता हूँ ना क्लास में, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का बेसिकली टॉपिक है क्या। आज हमारा जो टॉपिक है वो सोर्सिंग का। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के दो टॉपिक्स हुए, फिर हम लोगों ने हंटिंग स्टोर से की, आप लोगों ने मुझे सेंड की, तो उसके अंदर अभी मैंने कुछ बच्चों की चेकिंग की है, कुछ की भी पड़ी हुई है, वो इतनी ज्यादा तो फाइल्स आती हैं, तो मैं भी एक बंदा हूँ चेकिंग करने वाला। मैं किसी को कह सकता हूँ, ऐसे भी लड़के हैं जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने कह सकता हूँ यार ये चेक कर लो, लेकिन वो फिर पता क्या होता है, फिर मुझे इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि इधर वो बंदा सही चेक करेगा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा काम करके करूंगा, लेकिन कर लूंगा। तो अभी तक आज गलतियां क्लास के एंड पे मैं डिस्कस कर दूंगा किन बच्चों ने क्या गलतियां की हुई थी हंटिंग के अंदर, ठीक है? तो बाकी बेस्ट है। और एक दो क्यूरीज थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं हंटिंग के अंदर। तो जैसे आप लोग दराज से हंटिंग कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोगों का बड़ा क्वेश्चन था कि सर दराज के ऊपर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, हम दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लाइक मैं कोई भी यार एक प्रोडक्ट यार ये ही लगा किड्स ड्रॉइंग टेबल जो 12 इंच का, ये मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, तो क्या हमने पहली लाइन के जो सारे रिव्यूज हैं, पहले दो रिव्यूज हैं कोई देखना है? नहीं, मैंने कहा था पहली लाइन के अंदर किसी के भी दो रिव्यूज हो, वो इस सेलर के हो, इस सेलर के हो, इस सेलर के हो, किसी के भी दो रिव्यूज 20+ होने चाहिए, तो आपने वो प्रोडक्ट हंट कर देनी है। तो ये क्वेश्चन था जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद चलते हैं, आज हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बिजनेस की जिसको बैकबोन कहा जाता है, दो चीजें आपके बिजनेस के बैकबोन है, प्रोडक्ट हंटिंग। तो चलो प्रोडक्ट तो आप ढूंढ ही लोगे ना कहीं से, कि आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ही लेनी है, किसी के स्टोर से देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार उसके स्टोर पे ये प्रोडक्ट बिक रही है, लगी ये बिक रही है, तो मैं भी इसको अपने स्टोर पर लगा दूं तो मेरी भी सेल होगी। वो मैंने बता दिया था, साथ उसकी एड्स होनी चाहिए और वो सारा प्रोसेसर होना चाहिए, किसी को नहीं पता तो वो पिछली जो है ना हमारी वीडियो वो देख ले। अब बात आती है कि अब आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपने प्रोडक्ट लगा भी दी अपने स्टोर पर, अब जो मेन आपके पास इशू आएगा ना वो आपको सोर्सिंग का आएगा। ये दो मॉडल बिजनेस मॉडल आपके, ये चीज सोर्सिंग जो होती है ना इस चीज के ऊपर मैंने प्रॉपर, हालांकि मैंने हंटिंग के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, मेरी टिकटॉक के ऊपर मतलब जहां से टिकटॉक या दूसरे प्लेटफॉर्म या आप अगर उस उधर से मुझे देख रहे हो, मेरी वहां वीडियोस नहीं पड़ी है। मैंने सोर्सिंग के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर दिया हुआ है, समझाया हुआ है बेसिकली सोर्सिंग होती क्या है, सोर्सिंग की कैसे जाती है, और सोर्सिंग करके हम पैसे कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ये आपको पता ही नहीं होंगे ट्रिक्स के, आप होलसेल में काम भी कैसे कर सकते हो। एक तो आप ड्रॉप शिपिंग तो मेरे पास करने आई हो, मैं आपको होलसेलर भी बता दूंगा आप होलसेल में बिजनेस कैसे करो, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने सोर्सिंग होती है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं सोर्सिंग होती क्या है। मैं जस्ट एक दफा क्लैरिफाई मुझे कर दो कि आप लोगों को जो है मेरी आवाज आ रही है, मुझे सिर्फ इस चीज का एक दफा आंसर करो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सोर्सिंग होती क्या है। हंटिंग का मतलब होता है कौन सी प्रोडक्ट आपने अपने उसके पार्टिसिपेंट इज एनेबल टू कैप्शन रिकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं मुझे। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब होता है कौन सी प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगानी है। अच्छा यार, स्टोर्स की मुझे स्टोर से मुझे याद आ गया, बच्चों के ना कुछ स्टोर्स हमें डिलीवर हो गए, मैं ही आप लोगों को आगे सेंड करूंगा, ठीक है? वो स्टोर डिलीवर करें, कुछ बच्चों के ना उन्होंने भी सेंड करने, मैं देख के बता दो किस किस का भी किया। ये ढूंढना पड़ेगा, इसकी लिस्ट नहीं बनाई बच्चों की जिस जिसने स्टोर डिलीवर की, नहीं मतलब कोई लिस्ट बनाई होगी ना कि कितने कितनों के स्टोर डिलीवर हो गए, कितनों के नहीं हो। चलो कर लेंगे। अच्छा बच्चों, स्टोर्स ना मैं आज इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक फाइनल हो जाएंगे, ठीक है? जिनके आ गए ना वो उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कि आप लोगों के स्टोर्स आ गए, जिन्होंने बनने के लिए देने हैं, जिन्होंने बन रहे हैं वो हमें आते रहेंगे, फिर हमें आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा स्टोर, ठीक है?
अच्छा, स्टोर सबके सेम होंगे एक तरह के, हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे, उन्हें कस्टमाइज खुद करेंगे, ठीक है? तो मैं बताऊंगा कस्टमाइजेशन करनी कैसे, क्योंकि ये प्रोसेस में आप लोगों को इधर, आप उनसे भी कस्टम, आप उनको कह सकते हो कि यार मेरे अंदर ये चीजें ऐड कर दो, ये चीजें ऐड कर दो, इन फ्यूचर आपको कोई और चीज, इसका हमने एक प्रॉपर लिस्टिंग का टॉपिक रखा होगा, अगला जो टॉपिक होगा ना हमारा वो लिस्टिंग का ही होगा, ठीक है? तो वो अप्रोक्सीमेटली कल और परसों आपकी क्लास नहीं होनी, आज टुडे इज ट्यूजडे, ताकि जो बाकी बच्चों के स्टोर्स बन रहे हैं, जिन्होंने बनने के लिए देने ना, उनके भी स्टोर्स बन जाए, फिर इकट्ठी क्लास रखेंगे कैसे करना है। तो आप इधर उनको भी कहोगे ना कि मुझे इसके अंदर ये चेंजिंग कर दो, तो वो भी इजिली आपको कर देंगे, वो मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन वो उसके लिए मैंने प्रॉपर टॉपिक रखा कि इन फ्यूचर आपको फर्ज करो कोई ऐसा एक स्टोर नया बनाना पड़ जाता है, एक नया स्टोर बनाना पड़ जाता है, आपने उसके, आप फिर किस किस के मोहताज रहोगे? इंडिपेंडेंस तो नहीं हुई ना, तो फिर आप तो दूसरों से कहते रहोगे यार मुझे ये कर दो, तो वो चार्जेस लेते हैं। आप अगर फाइबर पे जाओगे ना, तो आप वहां लिखोगे ना मुझे आई नीड कस्टमाइजेशन इन माई स्टोर, या अपवर्क में जाओगे तो लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक दे आर, यू हैव टू पे देम एंड दे विल जस्ट गिव यू द सर्विसेज। वो आपको कहेंगे कि इसके अंदर ये कर दो। मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है तलहा, बहुत बेस्ट फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही तो दोस्त है बचपन का। तो वो हुआ एक्चुअली ये कि ना हमारा अपवर्क में भी काम काफी ज्यादा, तो क्लाइंट्स मिलते हैं, तो उसने ना, मैंने उसने मुझे बताया कि ना हमजा मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, लाइक वो ना आर्मी से ना, उसका कोई बैड सीन हुआ था मेडिकली अनफिट वगैरह, वो पीएमए थोड़ में था, तो वो वहां से ना उसको अनफॉर्चुनेटली हुआ, वो काफी ज्यादा डिप्रेस था, तो वो मुझे कहता है कि मैंने भी कोई काम करना है, तो मैंने उसे कहा कि आपके काम सीखो, काम सीख रहा था अभी उसे मैं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टोर चल रहा है माशाल्लाह, अभी वो इंटरनेशनली गया है, अभी कल उसने मुझे कॉल किया, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, अभी कल उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है माशाल्लाह यूके में। तो उस जब वो सीख रहा था ना, आज तकरीबन 1.9 PM अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने पहले, तो उसने सीखा, तो उसने मुझे कहा कि हमजा हम तो कस्टमर, अब मैंने जब उसको लिस्टिंग का टॉपिक दिया ना, तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम इसकी तो वो भी कर सकते, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। मैंने ना सिंपल एक बात की, मतलब उसने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको आंसर कर दिया सिंपल कि यार आप ये काम कर सकते हो, इतना कोई उनको लेके नहीं गया, तो कहता कि हाँ यार हम तो सर्विसेज। अच्छा, उसको एक क्लाइंट मिला तकरीबन उसी हफ्ते के एंड में मिला था या अगले हफ्ते के स्टार्ट में मिला था, मुझे ही नहीं पता, थोड़े दिनों बाद मुझे कहता है कि हमसे मुझे क्लाइंट मिला, एंड उस क्लाइंट ने उसे, आप यकीन मानो, $340 पे किया, $340 सिर्फ पे किए थे। अपवर्क पे जाना चाहते हैं वो लोग अपने स्टोर को, है ना, जो इस गिग लगा सकते हैं कि मैं आप लोग आपका स्टोर कस्टमाइज कैसे करूंगा, इसलिए मैंने पूरा टॉपिक बनाया हुआ, ठीक है? ये प्रॉपर एक सर्विस होती है, छोटी छोटी चीजें, ये जो आपको पता है, ये हंटिंग भी एक सर्विस है, सोर्सिंग भी एक सर्विस है, सोर्सिंग भी एक सर्विस है, लेकिन इतनी यूज नहीं होती, हंटिंग बहुत यूज होती है, हंटर आपको कोई हायर कर लेगा, ठीक है? उसके बाद आपकी कस्टमाइजेशन की हंटिंग है, फिर मेटा पे ये सारी सर्विसेज हैं, ठीक है? मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो सर्विसेज होती है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं, इधर मैं आप लोगों को कह सकता था कि यार आप लोग मेरे पास आओ, मैं आपको कोर्स करवाता हूँ, कोर्स करवाने के बाद आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, वो आपको पर मंथ $500 चार्ज, नहीं यार, आप क्लाइंट्स का काम करके, ये बात याद रखो, आप अमीर बनने के लिए आए हो, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ये बात मेक श्योर कर लो। जो बंदा आपको ये कहता है ना, हमारे जहां मैं पढ़ाता था ना, वहां भी यही होता था, बच्चों को यही सिखा, यही बता के ले आते थे हम लोग, यार आपको वो उधर जो रिसेप्शनिस्ट होते थे कि हम आपको, हमारे पास बच्चे हैं जो $500 क्लाइंट्स उनको पे कर रहे हैं, $1000 पे कर रहे हैं, वो कहते हैं $1000 कितना, 280 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा खासा पैसा बन जाता है पैसा ही पैसा, तो समझा रहे नहीं ना? तो वो कह रहे, वो बच्चे कहते थे ये तो यार बड़ा पैसा बन जाएगा, तो ये इस तरह नहीं होता। तो ये आप सर्विसेज वाला मॉडल, अगर आपके पास, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ ये अजाब होता है बंदे के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करना, सीरियसली मैम, आई एम नॉट जोकिंग, ये बहुत गंदी चीज होती है कि आप सर्विस प्रोवाइडर, वो क्लाइंट जो आपसे काम लेता है, फिर आपको 24 घंटे कॉन्शियस रहना पड़ता है, उसने कोई ऐसी बात कहती जो आपको आती नहीं, फिर आप यूट्यूब करते हो। हाँ, इधर इससे सीखने को मिलता है, लेकिन मैं इस चीज को ना बड़ा अजाब समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये एक टॉपिक है, अगला हमारा लिस्टिंग का टॉपिक होगा, मैं सिर्फ अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे, वो हर बंदा अपने हिसाब से अपनी जो होगा वेबसाइट क्रिएट करेगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझो आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? अब ये आपके बिजनेस की बैकबोन है, इस ये चीज स्ट्रांग ना हुई आपका बिजनेस फेल है। अब मैं पहले कहता था हंटिंग जो आपके बिजनेस की बैकबोन है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो दोबारा, तो मैंने उसके अंदर भी ये कहा था कि अगर आपकी हंटिंग नहीं स्ट्रांग होगी तो आप फेल हो, कहा बाद मैंने उसके, लेकिन उसके बाद मैंने थर्ड तरीका ऐसा बताया था कि आपने स्टोर की चीज
वो आपने कहा चलो हम कहीं ना कहीं तो सिक्योर हो गए, वो लाइक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब के कहेगा कि मुझे अब हर बंदा अपनी कॉन्स्टेबल क्यों आ गया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा मैं एक दफा चेक कर लूं कि यार मेरी आवाज सही आ रही। ये ना नेट का थोड़ा मसला है तो मैं इधर ये मेरी आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है ना, लैगिंग मसला आ रहा है। ठीक है ठीक है, बफरिंग बफरिंग, एक मिनट एक मिनट, इसका के नेचुरल ब्रेक हो रहा है। अभी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी वीडियो, इसको प्ले करते हैं, इसको बैक पे रखेंगे ना तो फिर वो नेट के ऊपर लोड पड़ता रहेगा ना, तो वो दो मिनट में अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को। इसको भी हल कर लेते हैं यार। अब बताओ अब आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? अब आप मैसेज करो। यस, वो ग्लिच नहीं है वो, एक्चुअली ना मैं आपको बताता हूँ, वो हम लोग ना बेसिकली वीपीएन यूज करते हैं, हमारे यूके में काम है। अच्छा आप लोगों के लिए ना मेरे पास जॉब भी है सबके लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप लोगों ने जॉब का मैं बताऊंगा, ऑनलाइन जॉब है, घर बैठ के काम करना है, लेकिन मैं अपनी एजेंसी में आपको जॉब दूंगा, आपने घर बैठ के काम करना है, मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा कि क्या जॉब है क्या नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को जॉब दूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपको जॉब दूंगा, सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, इतना इससे अच्छा होगा कि आप जो बाहर जो आप लोग लेते हो ना, मेरी अपनी एजेंसी का काम है, काम सिखाऊंगा भी पहले, ठीक है, और सिखाने का भी पे करूंगा आपको, ठीक है, सिखाने का मैं नहीं भी करता, लेकिन मैं आपको एक जॉब पे जरूर रखूंगा, ऑनलाइन जॉब होगी, घर बैठ के करना होगा, आपके पास अगर पीसी है तो आप जरूर करोगे, ठीक है। और अगर मैं ये इस चीज की गारंटी देता हूँ
अगर आप लोग मेरी एक्सपेक्टेशन जो मैंने एक टारगेट एक वैल्यू टारगेट की हुई है ना कि अगर आप इतना काम करोगे उससे ऊपर जितना आप काम करोगे ना, मतलब मैंने उतनी सेल्स का रखा हुआ कि इतनी सेल्स आपने मुझे ला दी वो सिखाऊंगा आपको पहले, और उससे ऊपर आप जितना काम करोगे ना वो उतनी बढ़ जाएगी, 1 लाख तक भी जा सकती है। मैं जॉब दे रहा हूँ आप लोगों को, वर्क फ्रॉम होम है, सपने होम है, तो आप लोग मतलब ईजी होकर वो काम कर सकते हो, उसके अंदर मुश्किल नहीं। लेकिन अब मुझे मैसेज नहीं किसी ने करना वो काम है क्या, वो काम कैसे करना है, वो काम कैसे किया जाए, या उस काम को करके हमें हमें क्या मिलना है। मैंने एक चीज कही है, आप एक हफ्ता काम करोगे, एक हफ्ते बाद मैं सबको पैसे ट्रांसफर करूंगा उनके अकाउंट्स में। प्रॉपर टीम बिठाई है जो आप लोगों को पैसे ट्रांसफर करेगी, ठीक है। आपको फर्ज करो एक हफ्ता काम करो तो कहते पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, फेक है, ये है वो। मैं लाहौर में रहता हूँ, आज एड्रेस दूंगा, आके पैसे ले लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आप अगर एक हफ्ता काम करोगे आपको प्रॉपर मैं पैसे पे करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा यकीन हो कि यार हाँ अब हम एक जॉब पे। और जॉब जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, लाइक उसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और जो 6 फेसबुक 4 शुरू में 4 वैसे 6 आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट्स बनाने हैं। अगर आप लोगों के पास 6 फेसबुक अकाउंट्स हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो इजीली। बिल्कुल बेसिक 6 फेसबुक अकाउंट तो बंदा 1 घंटा 2 मैं तुम्हें 10 बना लेता हूँ, ठीक है। तो 6 फेसबुक होना है, प्रॉपर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा क्या जॉब है, कैसे करनी है, और जो पेमेंट होगी वो आपको अगर एक हफ्ता काम करोगे एक हफ्ते बाद आपके अकाउंट में होगी, दैट विल बी 20,000 30,000 40,000, वो जितनी भी पेमेंट आपके आपके अकॉर्डिंग होगी आपको मैं पे करूंगा यार, ईजिली करूंगा, ठीक है। अगर फर्ज करो आप कहते हैं मैं जॉब नहीं करता, तो मैं आपको अपनी एजेंसी में जॉब दूंगा, वर्क फ्रॉम होम करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ, मैं अब ऐसा कभी कोई इन्वेस्टर होता है कोई टीचर मिला है, टीचर तो मैं खुद को कहते ही नहीं हूँ यार, पूरी जिंदगी इंसान लर्निंग फेस में रहता है। कोई बंदा आपको ऐसा मिला जो आपको कोर्स भी करवाया, आपको मैं जॉब भी दूंगा, और मैं इस चीज का गारंटी देता हूँ, आप लोगों ने 30,000 रुपया पे किया होगा स्टोर का या पहले महीने निकाल लोगे जी, मैं जब जॉब दे रहा हूँ तो निकाल लो, बात खत्म, मसला ही किसी चीज का नहीं। फिर आप बेशक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टोर तो आपके पास होगा ना, कस्टमाइजेशन सारा कुछ रेडी होगा, पैसे थोड़े से उधर से जॉब से कमा लेना, हम स्टार्ट कर लेना, ठीक है, मुझे उसका मसला नहीं है। जॉब बड़ी आसान है, मतलब आपको सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मुझे, मैं पहले बता रहा हूँ मैसेज नहीं करना अभी इसके, देखो अगर आपको जॉब पे रखना है, मैं आप लोगों को समझाना तो यहाँ से भी समझा दूंगा, मुझे वो मसला ही नहीं है, ठीक है, वो तो मैं यहाँ समझा दूंगा। मसला यहाँ ये आता है कि आप लोगों को मैं जॉब पे जो रखूंगा तो उसके बाद आप लोगों की मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइक आपने यूके के लोगों से बात करनी है, ठीक है। यूके के लोग, मेरी वहाँ हमारी वहाँ कंपनी है, तो आपने यूके के लोगों से बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो इंग्लिश मतलब बेसिक छोटी मोटी हो। मेरे पास ना, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, सीरियस बात बता रहा हूँ, मेरे पार्टनर है जमाल नाम है, इज वेरी इंटेलिजेंट अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर पार्टनर्स। उन हमारे पास ना एक बंदा है वो मौलवी है, मौलवी, तो अब उसने क्या किया, अब यकीन करो वो महीने का मैं उसे, हम लोग उसे 6 से 7 लाख पे करते हैं, मैं आपको लाइव उसकी दिखा सकता हूँ कि हम उससे पे करते हैं। मैं अभी तो मैं, मेरे पास ये फोन है, मैं अपना आईफोन लाऊंगा ना कल उस पर दिखाऊंगा, ठीक है, वो घर ही पड़ा हुआ है वहीं बुलाया, तो मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दूंगा कि हम उसे प्रॉपर पे करते हैं 6 से 7 लाख रुपए महीने का, सिर्फ उस बंदे को। उसने किया कि उसने ना 17 से 18 बच्चे रखे हुए, गाँव में रहता है, गाँव में मौलवी है, मौलवी को कितनी इंग्लिश आती होगी, बेसिक यार, बेसिक इतनी इंग्लिश है। मैं उससे बात करता हूँ, मुझे लगता है मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए नौजुबिल्ला, लेकिन मैं किसी ना मतलब सीधे सादे से बंदे से बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों की अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपको मैं जरूर जॉब दूंगा, मैं ऐसा नहीं कमिटमेंट करके फिर जाऊँ कि मैं नहीं दूंगा या ये ऐसा वैसा कोई सीन नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ ना यहाँ तक आप लोग मेरे साथ आए हो तो आपको जॉब भी जरूर मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि ईद के बाद, ठीक है, प्रॉपर ईद के बाद जो लोग इस ग्रुप में रहेंगे मैं इस चीज़ की गारंटी। और मैंने बताया अगर आपको एक हफ्ते बाद पेमेंट नहीं आती आप छोड़ दो, कहना यार स्कैम कर, एक हफ्ते काम इतने पूरी जिंदगी यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के दिन के इतने घंटे काम कर इतना कमाए इतना कमाए, अब एक हफ्ते मेरे लिए काम कर लोगे तो कोई मसला ही नहीं बनता, एक हफ्ते के ना पेमेंट तो मैं सबको ट्रांसफर करूंगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ना एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है, लाइक के अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग ना लोग इकट्ठे कर रहे हैं तो लाइक उसके ना डेटा लीक हो जाएगा, सॉरी फीमेल्स भी हैं तो लोग उनको मैं उनके नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो अभी हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, हम लाहौर में, लाहौर में रहता हूँ मैं, फिजिकल जॉब भी दे सकता हूँ मैं, ऑनलाइन भी दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप महीने का अच्छा खासा बनाओगे उससे,
अच्छा खासा मतलब कि अगर आप जॉब सैलरी कर रहे हो ना, सैलरी से तो बहुत हजारों दर्जे बेहतर होगा। घर में बैठ के काम करोगे और तुम लोगों को क्या चाहिए? ठीक, सिंपल। जॉब भी बहुत आसान है, काम भी बहुत आसान है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप लोग अपने चार चार या छह छह फेसबुक अकाउंट्स बना लो। वो तब भी हम सिखाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं, एक ऑनलाइन टीम। और अब आपको पता है ना, जब ऑनलाइन काम करवाना होता है तो मेरे पास, अब मैं जैसे आपको अकेला डील कर रहा हूँ, या पीछे एक आमना बैठी हुई है जो मतलब आपके अकाउंट्स वगैरह कंट्रोल करती है, या जो सॉफ्टवेयर से पता करती है कि आपका स्टोर कितने आगे कितने के, जो भी प्रोसीजर है उनका। ठीक है, लेकिन इस काम के लिए आप लोगों को फिर एक प्रॉपर, यार एक मिनट, यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट यार, ये क्या मसला है इसका? एक मिनट, मुझे पहले आप लोग कंफर्म करो कि आप लोगों को मेरी जो है आवाज आ रही है। अब बताओ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, यकीन करो अब तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है मजाक के अलावा। तुम लोग तो इमोशंस का खेल। तो मैंने यहाँ एक पीछे बैकग्राउंड पर वीडियो चला लूँ ताकि वो चलती रहे ना, इंटरनेट का स्टक ना हो। नेचुरल लॉन्ग वीडियो, तो वो वर्क फ्रॉम होम है। लाइक अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ पे बिल्कुल भी इम्पेक्ट नहीं करेगी। आप बेशक वो करते रहो, रात को आके बैठ के कर लो, तो आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी वो बनेगी। ठीक है, आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। उसके अंदर ये है कि अगर आप थोड़ा काम करोगे थोड़े पैसे मिलेंगे, ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हर पर्सन का एक इंडिविजुअली क्राइटेरिया होगा उसको किस हिसाब से पैसे देने हैं। ठीक है, तो वो आपको पैसे देंगे और पेमेंट हम अच्छी खासी देते हैं। आपको पता है अगर मैं काम करवाता हूँ तो मैं पेमेंट दूंगा। ठीक है, तो ये मसला नहीं है कि मैं सुनू, लेकिन मेक श्योर के जो लोग आज इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन, मैं पहले बता रहा हूँ, हम सिर्फ वो लोग पकड़। अगर आप ये कि मुझे शुरू में कमिटमेंट कर दो कि मैं नहीं कर सकता, फर्ज करो आप कहते हो कि मैं हाँ हाँ मैं जॉब कर लूंगा, और बाद में आपको कि सर मुझे टाइम नहीं मिलता। दिन के ना आपने 8 से सुबह 11 बजे से लेके ना, सुबह 11 बजे से लेके शाम रात 10 बजे तक, ठीक है, मतलब आप 4 बजे से लेके 10 बजे तक भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। हमें सेल से कर सकते हैं, आपने दिल्ली की एक सेल लानी है, और ऐसे आएगी हंस खेल जाती है, महीने की 30 बनती है हंस खेल के। जब मैं कह रहा हूँ आएंगे तो आएंगे। ठीक है, हफ्ते का टारगेट होगा, बेशक आप एक दिन में एक ले आओ, या हफ्ते में हम आपको हफ्ते का टारगेट देंगे इतनी सेल्स लानी है। तो जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, डेली लेक्चर्स हुआ करेंगे, मैं खुद आपको लेक्चर दूंगा, गाइड करूंगा कि किसको क्या मसला आ रहा है, कौन कहाँ ये फेस कर रहा है। और जो पेमेंट्स होंगी वो हर मंथ, हर वीक, सॉरी हर मंथ कह रहा हूँ, हर वीकली आपको ट्रांसफर की जाएंगी। एक हफ्ता ही है ना, वैसे भी तो आप देखो ना, आपको अप्रोक्सीमेटली दूसरा हफ्ता चल रहा है मेरे साथ, दूसरा हफ्ता तो आपको मेरे साथ चल रहा है। तो अगर यही दूसरे एक हफ्ता आप मेरे लिए और काम कर लोगे, फर्ज करो आपका, तुम ये हमें पेमेंट नहीं सेंड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक हफ्ता उसके बाद ना काम करना, मसला है किस चीज़ के? जिंदगी में इतने हफ्ते जाया कर दिए तो एक मेरे लिए कर लेना। तो मैं इस चीज़ को इंश्योर कर रहा हूँ कि जब मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मैं उस पर फुलफिल जरूर होगा। लेकिन उसके लिए अभी ना ईद तक हमारा प्लान ये है कि हम लोग ना बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक सिस्टम रन करना है। उस सिस्टम को ऐसे लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको अकाउंटेंट संभालेंगे, जो आपकी पेमेंट्स स्कोर करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। सो वो एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अब ऐसे तो नहीं है ना, मैं आज कहूँ तो अगले हफ्ते मैं लॉन्च कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए टाइम सिर्फ 20 दिन है। ऐसे आज कौन सा रोज है भला? आज कौन सा रोज है मुझे बता सकता है कोई? आज कौन सा रोज है? 12वां, ठीक है, कल मतलब कल 13वां रोज है, माशाल्लाह। तो इनशाला 12 रोजे हो गए, तो आगे 18 रह गए हैं। इनशाला फिर हम ईद के फौरन बाद हमारा प्लान पूरा लॉन्च करने का पूरा प्लान है, प्रॉपर प्लान है। अब वो तो मैं तब तक कोई बात करता नहीं जब तक मैं उस काम को प्रैक्टिकली करना लूँ, तो फिर इनशाला हम करेंगे। ठीक है, तो ये जॉब के लिए जो बंदा, शेरी शेरी कैसे हो? अच्छा, जो बंदा इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा यार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पहले बता रहा हूँ। स्टोर्स के लिए तो चलो मैंने आपको कहा था, क्योंकि वो तो आपका अपना बिजनेस है ना। स्टोर के लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपना, वो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो मैंने आपको कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई स्टोर कुछ कुछ भी नहीं,
सिर्फ आपके पास 4 फेसबुक अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको जॉब पे रख लू ना, दुनिया में कोई ऐसी जॉब भी होती है कि जो कह के पहले हमें पे करो। तो अच्छा, मैंने एक जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तब तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, बाय द वे शायद आप लोग में से बहुत से लोगों ने पता। तो कॉल सेंटर में क्या होता था कि वो जिसके पास मैं पहली दफा जॉब के लिए गया ना, तो मैंने उसको कहा कि मैं अभी मतलब 8th क्लास किया तो मैंने ना जॉब करनी है। तो वो कहती कि मुझे देखी कहती कि अच्छा ठीक है आपने जॉब करनी है, मुझे 2000 रुपीस दो फिर मैं तुम्हें कहीं रेफर करूँ। मैं कहा बीबी जी आ जुड़े मैं जा रहा हूँ। तो उस टाइम तो 2000 रुपया नहीं होता था, 1000 रुपया तो पॉकेट में नहीं मिलती थी घर से पूरा महीना उसे चलाना। तो कोई इन आपको वो नहीं कहूंगा, अभी तो स्टोर्स आपको मैंने इसलिए बनवाने का करूँ क्योंकि ये तो आप अपना बिजनेस स्टेबल करने जा रहे हो ना, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये भी कहा जिससे बनवाना है मोस्ट वेलकम, जिसे नहीं बनवाना ना बनाए कोई मसला नहीं। अभी 106 बच्चे हैं तो हमें कितने कितने हमें रिसीव हुए, कितने 14 स्टोर्स का डाटा है, 14 स्टोर्स अभी रिसीव हुए। तो मैंने आपको किसी को फोर्स तो नहीं किया ना, या मैंने कहा कि भाई बाकी नहीं पढ़ना, सबको पढ़ा रहे हैं कोई मसला नहीं। तो जॉब वो जॉब है प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम है, उसके अंदर लाइक यू डिडंट हैव नीड एनी इन्वेस्टमेंट, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वो जस्ट वर्क फ्रॉम होम। तो पैकेज भी अच्छा मिलेगा आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि वो टीम बहुत स्ट्रिक्ट होगी, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको पैकेज इतने अच्छे मिलेंगे, हम डैम श्योर कि आप किसी कंपनी के साथ जाके उसमें उतना अच्छा पैकेज नहीं ले पाओगे, चैलेंज करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में भी हम कम दें, लेकिन इंशाल्लाह आपको महीनों के अंदर, सालों की बात नहीं कर रहा, एक महीने बाद आप अपना खुद देख लेना। अब डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क आप करते हो। इफ यू आर सेइंग कि दैट यू आर डिजर्विंग एन हार्ड वर्क पर्सन, कसम खा के कहता हूँ 2 महीने बाद 1 लाख कर दूंगा, कसम खा के गया रोजे रमजान के अंदर गया रही हूँ। अगर आप हमें अच्छा अच्छी प्रोग्रेस दोगे, काम भी हम सिखाएंगे ए टू जी का, 1 लाख रुपये पेमेंट कर दूंगा, सैलरी कर दूंगा, ठीक है। सो बाय द वे ये एक बात की बात है जो हम इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम अपनी एजेंसी लॉन्च कर रहे हैं। मुझे बताओ आप में से कौन कौन एग्री है, मुझे हाँ या ना का जवाब दो, एक मिनट एवरी इसमें नहीं मैं आप लोगों को ना उसमें एक रहता हूँ। आप में से कौन कौन एग्री है करने के लिए कि वो जॉब करना चाहता है, बेशक माइक अनम्यूट करके बता दो, माइक अनम्यूट करके बताओ। ठीक है कोई मसला नहीं। तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, आप लोगों को आप लोग ना मुझे अपना अपना वो सेंड कर दो, क्या नाम है उसका, अपना अपना फ़ोन नंबर अपना अपना नाम मुझे हमना को सेंड कर देना, तो हम आपको ज़रूर इन टच करेंगे। तो मैंने ये बताया कि हम जब पेमेंट ये आप लोगों को पहले हफ्ते दे देंगे फिर आपको मसला ही नहीं होना, ठीक है। तो इट्स वर्क फ्रॉम होम, टोटली वर्क फ्रॉम होम, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो ये चलो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ये तो हर बात की बात थी, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार सारे बच्चे एक दफा ना दुरूद पाक पढ़ लो ताकि हम लोग अपना स्टार्ट करें काम। अच्छा मैं हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्सिंग, टोटली बेस्ड ऑन सोर्सिंग है। सोर्सिंग क्या होती है और सोर्सिंग की कैसे जाती है, सोर्सिंग होती क्या, सारा आज आप लोगों को गाइड करूंगा। ये उस दिन के मेरे लिखा हुआ पड़ा है। आज हम लोग सीखेंगे कि सोर्सिंग क्या होती है, ठीक है, सोर्सिंग क्या होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हंटिंग का मतलब होता है आपने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसको अपने स्टोर के ऊपर रन करना है, मतलब लगाना है, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपने स्टोर के ऊपर लगानी है, उसके ऊपर सेल्स स्टार्ट होती है, ठीक है। सोर्सिंग का मतलब होता है कि आपने एक प्रोडक्ट पकड़ी, उसको स्टोर पर लगा दिया और आपने उसकी कंपेन रन कर दी, सेल आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग था कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसको अपने स्टोर पर लगा दिया। सोर्सिंग कहते हैं कि आपको जब ऑर्डर आ गया आप पीछे से कितने की ले रहे हो और उसको आगे कितने का सेल कर रहे हो, आपकी परचेजिंग प्राइस कितने की है
पर सेलिंग प्राइस कितनी है। परचेजिंग जो होती है ना, जो आप पीछे से परचेज कर रहे हो, लाइक आप कहीं किसी होलसेलर से परचेज कर रहे हो या किसी से भी परचेज कर रहे हो, तो वो आपकी बेसिकली क्या होती है, सोर्सिंग होती है। वो आप लोगों की क्या होती है, सोर्सिंग होती है कि आप पीछे से प्रोडक्ट कितने के लिए। अब ये बॉटल मैंने, फर्ज करो मैंने ये बॉटल हंट की, मुझे लगा कि इस पर सेल्स आएंगी, मैंने इसको अपने स्टोर पर लगा दिया, अब मुझे इसके ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब मैं इसको देखूंगा यार, ये मुझे पीछे ये प्रोडक्ट मतलब पीछे होलसेल मार्केट से कितने की मिल रही है, तो जो होलसेल मार्केट के अंदर से मैं ये प्रोडक्ट लूंगा ना, या मैं जिस बंदे से भी लेता हूँ, मतलब मैं 30 रुपए की प्रोडक्ट लेके 300 की सेल कर रहा हूँ, फर्ज करो, तो मैंने एक प्रोडक्ट सिंपल कॉपी करके, मैंने पिक्चर्स अपलोड, पिक्चर्स डाउनलोड की, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसकी पिक्चर्स डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे लगा दी, फिर मैं उसकी कंपेन चला, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब वो पिक्चर पे ऑर्डर आ रहे हैं ना कि मुझे हमें प्रोडक्ट चाहिए, अभी फिजिकली प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब ये किसी होलसेलर के पास या किसी दुकानदार के पास पड़ी हुई है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पहले भी इसलिए कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके घर के पास फर्ज करो एक बंदा है दुकान वाला, और उसकी दुकान के अंदर या कोई बेकरी है, उस बेकरी में एक लेज पड़ा होगा, वो जो लेज उधर पड़ा होगा है, यार आमिर शहजाद ना करो कैंडी, तो वो जो लेज उधर पड़ा होगा, 1 मिनट, अच्छा मैं टाइम वेस्ट को, टाइम वेस्ट करना आता है यार, टाइम तो कहेंगे ना वेस्ट करो आप लोग अपना। ये कह रहे वॉइस, यार बताओ मुझे दोबारा कि आप लोगों को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, अब सोर्सिंग कहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट की पिक्चर डाउनलोड की, फर्ज करो मैं कहता हूँ कि आपके घर के पास लेज है, आपके घर के पास एक बंदा है जो बेकरी में है, दुकान में या जहां भी बैठा हुआ, सिगरेट एग्जाम्पल लेते हैं आप, वो कैप्शन मार्लबोरो जो भी होती है, कैप्शन है सेल, डैनियल स्विच सेल कर रहे हो, आप डैनियल सेल कर रहे हो सिगरेट या कुछ भी कर रहे हो, सिगरेट आप सेल कर रहे हो, अब सिगरेट की तस्वीरें तो आप यार प्रमोशन ऐसी गंदी चीजों की नहीं करते, लेज की कर लेते हैं। अब एक लेज है, ठीक है, आपके घर के पास ना एक दुकान वाला है जिसके पास ना लेज पड़ी हुई है, ठीक है, अब वो लेज उसके घर के पास पड़ी है, तो आप क्या करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेज के ना एड चला देते हो, पहले लेज की प्रोडक्ट लगाते हो, उसकी प्राइस लगाते हो, एड रन कर दी, अब आपको फर्ज करो ऑर्डर आना शुरू हो गए, अब वो लेज तो फिजिकली किसके पास पड़ी, दुकान पे, अब अपने वेबसाइट पे कितने की दुकान से आपको 30 रुपीज की मिल रही है, ठीक है, और वेबसाइट पे आपने लगाई हुई है 300 रुपए की, सो आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है ना वो 30 रुपया, मतलब आप पीछे से 30 रुपए का ले रहे हो, आप जिस बंदे से लेज का पैकेट खरीद रहे हो आप उससे परचेज कर रहे हो 30 रुपीज का, और आप आगे सेल कर रहे हो 300 रुपए का, तो वो जो आप पीछे से जिस बंदे से खरीद के आगे चीज सेल कर रहे हो, क्योंकि आप तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपने तो सामान होल्ड ही नहीं कर रहे ना, आप तो 300-400 पीस मंगवा ही नहीं है घर में, वो तो फिर FBA में आ जाएगा कि हम होलसेल में काम कर रहे हैं, अगर मैं 300-400 पीस मंगवा लेता हूँ पीछे से, फिर तो वो सीधा होलसेल में आ जाएगा। आप एक प्राइस, एक प्रोडक्ट के पीछे से आप, आपको पता है मेरे पास होलसेल मतलब वो प्रोडक्ट यहाँ पड़ी हुई है, मुझे उस बंदे के पास पड़ी है, आप फर्ज करो वो आपको 300 रुपए की दे रहे हैं, आप आगे सेल कर रहे हो 1700 रुपए की, 1600 रुपए की, तो वो जो प्रोडक्ट आप आगे सेल कर रहे हो 1600-1700 रुपए की, वो आपकी सेलिंग प्राइस है, और जहां से 300 रुपए की आप ले रहे हो वो आपकी प्रोडक्ट प्राइस, वो सोर्स प्राइस है। सोर्स का मतलब होता है कि आप पीछे से कितने की प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब आपका बैक, जो बैक बैक सोर्स है, लाइक जहां पीछे जो बंदा आपको सोर्स दे रहा है वो कितने की दे रहा है, लाइक जो आपके पास होलसेलर है वो आपको कितने की प्रोडक्ट दे रहा है, फर्ज करो होलसेलर आपको 30 रुपए की प्रोडक्ट दे रहा है, या होलसेलर या दुकानदार या उसको जो भी कह लो, होलसेलर हो गया वो शॉपकीपर हो सकता है, वो दुकान मतलब जो भी हो सकता है, शॉपकीपर हो सकता है, या वो कोई भी मर्चेंट हो सकता है, वो जो बंदा भी है वो आपको फर्ज करो आपको 30 रुपए की प्रोडक्ट दे रहा है, और आप उसको अपनी वेबसाइट पे सेलिंग ऑन वेब साइट पे, आपकी वेबसाइट पे जो वो प्राइस सेल हो रही है वो 300 रुपए की सेल हो रही है। अब देखो, अब आप पीछे, अब इसकी मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना क्लियर कर देता हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, फिर बाद में मैसेज कर देते हैं, होल सेलर, ठीक है, और यहाँ आ जाती है आपकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग,
सेलिंग, ठीक है। अब होलसेलर जो है वो आपको कितने की प्रोडक्ट दे रहा है, आपको 30 रुपए की प्रोडक्ट दे रहा है। और जो आपकी सेलिंग प्राइस है और आप उसको सेल कर रहे हो 300 रुपए का सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आप एग्जिस्ट कर रहे हो इस जगह पे, और आपकी ये वेबसाइट है, वेबसाइट है, और ये यहाँ आप कह लो ये आप, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जो प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, आपको जो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, आप कितने का बेच रहे हो, आप 300 रुपए की प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो, थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट 300 रुपए का बेच रहे हो। लेकिन आपने जाहिर सी बात, अगर ये प्रोडक्ट 300 रुपए का बेच रहे हो तो आपने ये प्रोडक्ट कितने के पीछे से ली है, आपने, आपके पास ये जो बंदा होता है ना, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है, बैक सोर्स कर रहा होता है, इसने पहले आपको देनी है, फिर आप यहां से जो कस्टमर होता है उसको उसको पहुंचाते हो। जो ये कस्टमर है आप इसको तब पहुंचाओगे जब आप पीछे से इस चीज से इधर से परचेज करोगे। ये जो होलसेलर होगा ना, होलसेलर होगा, ये आपकी सोर्स प्राइस है जो आपको प्रोडक्ट देता है। फर्ज करो मैं कहता हूँ मेरे पास ये मोबाइल है, ये मुझे पीछे से 10 रुपए का मिला है, मैं इसी मोबाइल को आगे, फर्ज करो मैं कहता हूँ मैं इसको सेल करता हूँ 100 रुपए का। सो जो 10 रुपए का मिला है, मैं मुझे होलसेल से 10 का मिला है, मुझे होलसेल का से 10 का मिला है, जिससे मैं सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू 10 रुपए का सामान मिला है, वेबसाइट के थ्रू मैं इसको सेल कर रहा हूँ 100 रुपए का। सो जो बंदा यहाँ बैठा होता है ना, जो आपको पीछे सामान दे रहा होता है, उसे कहते हैं सोर्सिंग। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट नहीं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सोर्सिंग जो होती है ना, इसको करने के ना बेसिकली जो ज्यादातर मेथड होते हैं वो 3 मेथड होते हैं, ठीक है। ये भी बड़े आसान है, 3 मेथड होते हैं सोर्सिंग करने के। मेथड ऑफ सोर्सिंग लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ सोर्सिंग। अब ये मैं वैसे पाकिस्तान में तो एक ही चलता है, ठीक है, बाकी दो इसलिए समझा रहा हूँ, कल को आपका बिजनेस स्केल अप कर जाता है, आप अलीबाबा मतलब इंटरनेशनल चले जाते हो, तो फिर आपको वो भी मेथड बताना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला मेथड हमारा दराज है, दूसरा हमारा मेथड जो है ना वो अली अलीबाबा है, अलीबाबा, और तीसरा जो हमारा मेथड है ना वो लोकल सप्लायर है। सबसे पहले मैं हमारा मेथड है दराज पे, दराज पे हमने सोर्सिंग कैसे करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। दराज के ऊपर आप सोर्सिंग कैसे करते हो, दराज के ऊपर सोर्सिंग करने का तरीका ये होता है कि आपने सिंपल दराज के ऊपर आना है, ठीक है। अब फर्स्ट करो आपने प्रोडक्ट भी हंट भी दराज से किया। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर चाहिए, क्रिस्टल हेयर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट रिमूव, मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर प्रोडक्ट चाहिए, देखो ये 2200 रुपए का बेच रहा है, ये नहीं है वो क्रिस्टल हेयर रिमूवर, क्रिस्टल हेयर रिमूवर देखो 1000 रुपए का बेच रहा है, बड़ा सस्ता बेच रहा है ये बंदा, लेकिन उसने बेचा कितना ही देखो, 899 रिव्यूज। 100 सेलर आए ना तो 10 रिव्यूज के चांसेस होते हैं, 7 से 8 रिव्यूज के, और उसने 899 को आप मल्टीप्लाई करो 100 से, 8 से 9 लाख, तो 9 लाख पीसीज ये बेच चुके हैं। अब इसने एक प्रोडक्ट से कितना कमाया मैं आपको बताऊं, कैलकुलेटर, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो होती है ना, ये आपके बिजनेस को स्केल करती है, स्केल आपको पता लगता है कि यार वो मेरा कॉम्पिटिटर कितना कमा रहा है। अगर ये एट मतलब 900 रुपये, 900 पीस बेच चुका है, फर्ज करो अगर 100 सेलर है ना, तो आपको 7 से 8 रिव्यूज के चांसेस होते हैं। तो अगर आप सिंपल क्या करो, 10 रिव्यू के चांसेस हैं, आप 900 को मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 90,000 पीसेस इसका बेच चुके हैं प्रोडक्ट का। अब फर्ज करो मुझे पता है ये अंदर से कितना मार्जिन निकाल रहा है, कितने किसको पीछे से पड़ रही है, जिसको पीछे से 540 की पड़ रही है। अब इसका मार्जिन कितना निकलता है, 500 600, इसका 400 रुपया मार्जिन निकल है अंदर से, 400 रुपया मार्जिन है, 400 को 90,000 को मल्टीप्लाई कर दो जरा 400 से, ये इसका प्रॉफिट है दराज के ऊपर। लेकिन ये बहुत बड़ा रीसेलर बैठा होगा, ड्रॉपशिपर बैठा होगा पीछे, ये डी मॉल इसने वेरीफाइड करवाया हुआ मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, ये डी मॉल का बनता है। अभी यूनिट 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 60 लाख, ये रियल मनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बेशक इसे कॉन्टेक्ट करो, इसे मिल लो जाकर, पूछो कि इसने इतना नहीं कमाया तो आप बात करो। अब इसकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स भी देखना उसे, खैर ये बात की बात करते हैं, ये दराज के वो पोटेंशियल है, लेकिन मार्जिन बहुत कम निकल। अब जो नया सेलर आएगा वो इधर इन पेजेस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
अब देखो ना इसके 65 पेजेस हैं, आप कहीं 65 67 में जाके बैठोगे तो आप तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर आप कोई बंदा ऐसा तो नहीं ना होगा किसी ने चीज़ खरीदनी वो पहले एक पेज दूसरा पेज तीसरा पेज चौथा पेज पे जाके करे, तो दराज के ऊपर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। तो खैर बेहतर है, अभी ये जो बंदा है ये इसको आप फर्ज करो आपको ये प्रोडक्ट लगी, आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दी, अब आपको ऑर्डर भी आना शुरू हो। अब हमने सोर्सिंग का पहला तरीका क्या है, आपने जहां से प्रोडक्ट आप फर्ज करो आप दराज के ऊपर आओ कि कोई भी प्रोडक्ट है आप यहाँ सर्च करो प्रोडक्ट नजर आ गई आप इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करने के बाद ना ये देखो यहाँ लिखा हुआ है चैट, यहाँ साइड पे लिखा होगा ये लोड हो जाए, चैट का ऑप्शन होगा कि आप सेलर के साथ बात कर सकते हैं। ये देखो ये वोकल्स इसका नाम है, ठीक है ये वोकल्स इसका नाम है। ओहो इसका पेज खुल गया, अब ये वोकल्स इसका नाम है देखो, तो आप इसके साथ चैट में चले जाओ, मैं चैट पे क्लिक करता हूँ ठीक है। ये कहते हैं साइन अप, लॉगिन पे क्लिक करो या साइन अप कर लो, यहाँ से सिंपल दराज से लॉगिन साइन अप करना होता है आप लोग। मैं इसको कंटिन्यू गूगल कर दूंगा, मैं इसको गूगल कर लेता हूँ, तो अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना जीमेल सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैंने अपना जीमेल सेलेक्ट किया है तो ये मुझे लॉगिन कर ले उस पेज पे ले जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने वेबसाइट गया, आप ऑर्डर करना शुरू हो गए, तो हमने पीछे से अब देखो मुझे एक मैसेज भी आया हुआ, ये देखो एमजे कलेक्शन का। तो ये सारे मुझे मैं मतलब कॉन्टेक्ट करता रहता हूँ इनसे काफी, मैं दराज इतना यूज नहीं करता लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका, आपको यूज करना पड़ सकता है आप पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं। अब आपने क्या करना है, आप इधर आओ, आप सिंपली आपको ये प्रोडक्ट चाहिए इसका फर्ज करो आपको 100 पीसेस चाहिए, आप इसकी चैट में जाओ, इसकी चैट में जाने के बाद आप इसको मैसेज करो, हाय माय नेम इज माय नेम माय नेम इज आई एम अ डिजिटल मार्केटर मार्केटर एंड आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी इन बल्क क्वांटिटी लाइक 200 300 पीसेस। एक्चुअल में आपको 200 से 300 पीसेस चाहिए नहीं है, आपको कितने पीसेस चाहिए, आपको पीसेस ज्यादा से ज्यादा चाहिए होंगे 50 60, तो आप उनसे बात करो कि मुझे ये प्रोडक्ट 200 से 300 पीस चाहिए इसका, या फर्ज करो आप कह रहे हो 300 से 400 पीस चाहिए ठीक है, आपको मुझे 300 से 300 to 400 पीसेस चाहिए मुझे ठीक है। आपने उसे कहा कि मेरा नाम हमजा है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, आई नीड दिस प्रोडक्ट, मुझे ये क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है ये बल्क क्वांटिटी में चाहिए, बल्क का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी में, मुझे इसका 300 से 400 के दरमियान 400 पीस चाहिए। अब अगर वो हर प्रोडक्ट के ऊपर भी 100 रुपए का मार्जिन रखे वो बंदा, तो 100 को 300 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है 30 30,000, 100 को 400 से करो 40,000, मतलब वो एक ऑर्डर से एक बल्क क्वांटिटी के ऑर्डर से 30 40,000 रुपया कमा रहा है, समझ रहे हो ठीक है। तो आपने उसे कहना है कि मेरा नाम हमजा है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, एंड आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, आगे लिख दो कि इन, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, इन लाहौर कैंट ठीक है, इन लाहौर कैंट, इसको मैसेज सेंड कर दो। अब देखो इसको मैसेज चला गया, अब इसने क्या है कि ये अपनी कोटेशन दे देगा रीड, अब इसने रीड नहीं किया ठीक है, अब ये अनरीड लिखा आ रहा है, अभी रीड जब ऑनलाइन होगा तो ये रीड कर लेगा। तो आगे आप इसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ठीक है, कि कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, ऐसे अब अपना जो नंबर इसको सेंड करना है ना होलसेलिंग वाला, मैंने आप होलसेलर का जो नंबर सेंड करना है वो ऐसे करना है, पहले 03 ठीक है, ये 0 सेंड करो, फिर 3 सेंड करो, फिर 1 सेंड करो, फिर 5 सेंड करो, फिर आपका जो भी आगे नंबर आता है आप इसको वो नंबर सेंड कर देना। जैसे आप लोगों को ग्रुप में नंबर ऐड 8 1 2 4 3 8 1, अब आपने इसको अपना नंबर सेंड कर दिया। अब देखो अगर आप अपना पूरा नंबर सेंड नहीं करोगे ना, दराज ये मैसेज सेंड नहीं करता, दराज कहता है मेरे प्लेटफॉर्म पे आके तुम आप व्हाट्सएप की प्रमोशन कर रहे हो, दराज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर आप उसे कह दो कि अब मैंने उसे सिंपल बात की, मैंने कहा माय नेम इज हमजा, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, मुझे एक प्रोडक्ट जो है बल्क क्वांटिटी में चाहिए लाइक 300 से 400 पीस चाहिए, तो तुम मेरे व्हाट्सएप में मुझे, अब ये बंदा खुद ब खुद ही आपको यहाँ ओके का मैसेज कर देगा ठीक है, या आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेगा, फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेगा, फिर आप इसे पूछोगे मुझे पर पीस कितने का दोगे, कि मुझे 300 से 400 पीस चाहिए, मुझे पर पीस कितने का दोगे, फिर ये कहेगा कि मैं पर पीस तुम्हें दूंगा, फर्ज करो ये कहते हैं मैं 600 का दूंगा, आपको नहीं यार थोड़ा लेस करो, थोड़ा और लेस करो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें ऑर्डर दे देता हूँ, मुझे थोड़ा और लेस करो, फिर वो निगोशिएटिंग उसे करो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ी देर तक ऑर्डर देता हूँ थोड़ा लेस करो, फिर ये 550 तक आएगा, फिर ये 500 तक आएगा,
तो आप इसको ना एक जहां आपको लगेगा कि ये मुझे क्वांटिटी मेंटेन करनी है, अब आपको हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट पीछे से कितने की मिल रही है, आपने ये चेक करना है कि जो सेलिंग प्राइस है ना उसके ना हमने 900 से 900 700 800 900 इतने मार्जिन निकालने, उस रेंज तक लाना है कि इसके अंदर अगर मैं 700 रुपये ऐड करूं तो क्या मैं इतने में बेच सकता हूँ। वो आप हर बंदा अपने आप पे करेगा, ठीक है, वो मैं किसी को भी कुछ रिकमेंड नहीं करता। आपने इसको सिंपल कहना है कि अब जैसे मैंने एक एमजे कलेक्शन को देखो, मैंने इसे मैसेज सेंड किया, मुझे कॉन्टेक्ट भी किया था, ये हमने इसी से सोर्स की थी बेसिकली, ये लिपस्टिक थी, इसको बड़ा सोर्स किया हम लोगों ने। मैंने इसे कहा कि हाय आई नीड दिस प्रोडक्ट, मैंने सिंपल इसको ये भी नहीं कहा कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ये मैंने आपको पिछली चैट बताई दिखा रहा हूँ, देख लो बेशक ये हमने आज की चैट की है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा हाय आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी अबाउट 300 to 400 पीसेस, कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, पर्सनली कह लो या कॉन्टेक्ट मी, तो आगे मैंने इसको अपना नंबर सेंड कर दिया जो हमारा यूज ना होता बिजनेस के लिए। तो इसने कहा ओके ठीक है, अब इसने खुद ब खुद ही कॉन्टेक्ट किया, फिर मैंने इसे निगोशिएट किया, पहले इसने मुझे आई थिंक सो 185 की कहा था एक प्रोडक्ट, फिर मैंने कहा नहीं यार 185 की तो सोर्स बनती नहीं है, लेकिन मुझे मैं 185 की नहीं ले सकता, मुझे थोड़ा लेस करो, फिर 150 पे आए, फिर ये मुझे खुद मैसेज करे क्योंकि इसे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर 30-40 रुपए बच रहे थे, 30-40 को मल्टीप्लाई करो हाँ 300-400 से तो कहाँ तक तो बात जाती है, एक्चुअल में आप ले लो 10-20 पीस ही हो रहे हो गए, ठीक है आप 10-50 पीस ले होंगे, लेकिन आप उसको लालच देना कि यार मैं तुमसे फर्ज करो मैं तुमसे, ये भी हमारी तो नहीं बैठे हैं सैलर, मैं तुमसे क्या उसका नाम है 300-400 पीस ले रहा हूँ, ठीक है वो फिर सैलर भी आ जाएगा परमानेंटली, सप्लायर तो आ ही गया, घर बैठे सप्लायर आपके पास आ गया, ना आपको मार्केट जाना पड़ा ना कुछ हो रहा, आपके पास सैलर सप्लायर आ गया, ठीक है। तो आपने कहना है मुझे इतने पीसेज, फिर इसने मुझे 105 की ये पर प्रोडक्ट दी थी, ये वाली जो लिपस्टिक है, फिर हमने एचआर मशीन से बात की, देखो मैंने इसको भी यही कहा, मैंने इसे कहा ये देखो इसको मैंने, ये एक प्रोडक्ट थी हेयर रिमूवल, ये भी हमने बहुत सेल किया, मैंने कहा मतलब इन्हें ऑटोमेटिक मैसेज लगाया होता है ना कि सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ एट द मोमेंट वी विल रीच, फिर से मैंने कहा आई एम डिजिटल मार्केटर आई नीड फ्लॉलेस हेयर रिमूवर इन 1000 पीसेस इन बल्क क्वांटिटी, ये हमें तकरीबन 300 से 400 पीस चाहिए था क्योंकि इस प्रोडक्ट रेशो उस टाइम बहुत अच्छी थी, बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू चेक द क्वालिटी फॉर फर्स्ट फॉर। अब देखो मैंने एक सेंस लड़ाई है, मुझे अब याद है 50 पीस चाहिए थे, ठीक है वो बाद में हमने से मेजोरिटी मंगवाए थे लेकिन क्योंकि हमारे साथ पर्सनली आ गया था, अब देखो मुझे चाहिए 50 पीस है, फर्ज करो मुझे आप सप्लायर हो मुझे 50 पीस चाहिए, तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार मुझे ये पानी वाली बॉटल है आप इसको बेच रहे हो, मैं कहता हूँ यार मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे इसका 1000 पीस चाहिए, हाँ मैं 1000 पीस तो लूंगा लेकिन मैं पहले 50 पीस मंगवा के चेक करूंगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है, एक्चुअल में तो आप 50 पीस ही मंगवा रहे हो ना, आप उसको कहो मैं तुमसे ले लूंगा 1000 ही क्योंकि आपका कारोबार कर को एक्सटेंड भी तो करना है ना, फिर आप उससे बार बार मंगवाओगे, मैं भी आप 2000 पीस मंगवा लो उससे ऐसे ऐसा करके, लेकिन आप उसे कह रहे हो बाल ठंडी कर रहे कि मैं तुमसे ये 1000 पीस लेना चाहता हूँ लेकिन मैं पहले क्वालिटी चेक करूंगा कि तुम मुझे कैसी क्वालिटी मेंटेन दे रहे हो, तो मुझे उसके लिए 50 पीस सेंड करो, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, आपसे एक अच्छे कस्टमर भी आप मान, यहाँ तक बात समझ आई है मुझे, ये बताओ यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को, ओके हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ तक हमारा सोर्स हमारा मतलब जो था काम हो गया, अब जो है ना अब सिलसिला ये है कि अब आपने इनको बात की इनसे, ठीक है इनसे आप मतलब आपको ना फ्री ने कहा मैंने कहा पे मुझे कांटेक्ट करो, आज के ऊपर हम बात ही ना कर सकते होलसेल की, तो ये कहेगा जीरो, मैंने फिर उसको अपना वो जो बिजनेस नंबर था सेंड करी, फिर देखो उसने मुझे 2 दफा मैसेज किया ओके ओके ठीक है ठीक है, फिर मैंने इससे बात की ये तो खैर कोई चीज मंगवाई थी फर्नीचर डॉट पी के, ठीक है ये 3 से 4 ये एक अकाउंट नहीं, हम मल्टीपल हमारे दूसरे अकाउंट्स होते हैं उनसे हम बात करते, तो कोई भी आप पर्सनल से भी बात कर सकते हो उसका मसला नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपने एक होलसेलर जो है अपने घर बैठ के एक होलसेलर बना लिया, मतलब एक जो बंदा था होलसेलर आपने उससे बात कर ली, और वो बंदा अब जाहिर सी बात है दराज के ऊपर अगर ये बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके पास ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ी हुई है ना, मतलब वो बेच रहा है तो पड़ी हुई है प्रोडक्ट उसके पास, अब आपको फर्ज करो लोकल मार्केट में नहीं, अब दराज के ऊपर उसको मुझे 300 से 400 पीस चाहिए, फर्ज करो ये बंदा आपको प्रोडक्ट 100 रुपये महंगी देता है, आप अपनी सेलिंग प्राइस 100 रुपये आगे कर लो, मतलब कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फर्ज करो इस प्रोडक्ट की प्राइस मैं आपको कहता हूँ कि 500 रुपये है, ठीक है आपको इस प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपको प्रोडक्ट प्राइस जो है
प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 500 रुपया, आप सेलिंग प्राइस, आप इसको पहले सेल कर रहे थे, आपकी पहले सेलिंग प्राइस थी इसको 1700 की सेलिंग कर रहे थे, आपको जो अंदर से मार्जिन निकला था वो आपका निकला था, मार्जिन निकला था प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट कह लो, आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकला था पहले आपका इस पर एक प्रोडक्ट से 900 रुपया, ठीक है। अब ये आपका पहले प्रोडक्ट प्रॉफिट निकला था, अब फर्ज करो, अब आपका क्योंकि आपकी देखो पहले आपने जो प्रोडक्ट प्राइस थी, अब प्रोडक्ट प्राइस वो कहता है आपको कि यार PRODUCT प्रोडक्ट प्राइस जो है वो आपको दे रहा है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट 600 में दूंगा, मसला ही कोई नहीं। आप जो है सेलिंग प्राइस 100 रुपये बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस जो है वो आपके करो 1800 कर दो। वो करनी कैसे है, कस्टमर ही फेक करना है ना, आप हमेशा 1799 रखोगे, जब ऑर्डर जाएगा उसके ऊपर 1800 लिखा होगा ना, 1 रुपये ही कम है ना। अब कभी ऐसा होगा कस्टमर नहीं, आप कभी भी दराज से ऑर्डर, ये ट्रिक होती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। कभी ऐसा हुआ आपने दराज से, ये देखो ना ये दराज के ऊपर सारे कस्टमर साइकिल के साथ ही खेलते हैं, मेजोरिटी जो सेलर होते हैं। अभी ये तो सीधा साधा बेचारा बंदा होगा, इसे पता कोई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कस्टमर साइकिल के साथ खेलते हैं, हम जितने भी सेलर, मेजोरिटी सेलर देख लो, हालांकि मैंने आपके सामने भी लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसकी प्रेपरेशन तो की नहीं हुई, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ सेलर से, देखो अभी ये देखो ये 2300 रुपये की बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हमें फेक कर रहा है। फेक कैसे कर, अब मुझे तो पता है कि ये फेक कैसे कर रहा है, ये कितने की सेल कर रहा है, 299, 2300 रुपये की बेच रहा है, तो इसने कहा 2200 रुपये की, हम कहेंगे हाँ 2200। अब ये एक्चुअल में, अब इसकी मैं एग्जाम्पल आगे देता हूँ, क्या देखो 170 रुपये की है, लेकिन इसके बाद जब टैक्स पड़ेगा ज्यादा हो जाएगी, ये मार्जिन में नहीं रखा होता तो 99 हो, ये कौन, ये 800 रुपये की है, लेकिन हम कहेंगे यार ये तो, अब 200 रुपये इसकी डिलीवरी, ये 1000 रुपये की बेच रहा है फर्ज करो। अब उसकी कस्टमर साइकिल देखो, अब मैं एज अ कस्टमर देखूंगा, अब मुझे तो खैर पता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल पर्सन देखूंगा, तो 700 रुपये की तो है मंगवा लेता हूँ, वो फिर हम कहते हैं यार ये डिलीवरी थी 1000 रुपये कैसे बन गया, एक्चुअल में वो आपके साथ साइकिल खेल है, वो देखो उसने 799 लगाया है। आप हमेशा कस्टमर जो है ना, हमेशा फर्स्ट फिगर काउंट करता है, कस्टमर कभी भी लास्ट वाले दो डिजिट्स काउंट नहीं करता, तो चलो 7 लिखा हुआ है, 700 रुपये पहला दफा से काउंट करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आप जहां 1700 की बेच रहे थे आप 1800 की कर दो, हालांकि देखो डिजिट सेम है इसमें, 1700 1799, कस्टमर को लगेगा यार 1799 की तो है, कोई मसला नहीं यार कर लेंगे। इसी तरह लोगों ने क्या लगाया होता है, 999 लगाया, वो एक्चुअल में 1000 की सेल कर रहे हैं, 1000 से बचने के लिए 99 लगाया हो, लेकिन जब कस्टमर को चीज सेंड होती है वो कहते हैं कि यार ये तो हमें आई इतने की है, तो ये आप कर दो 1799 की, ठीक है। 1799 ये हो गई, आप भले भले प्रॉफिट मार्जिन आपका दोबारा, प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका दोबारा 900 रुपया होता है। प्रॉफिट मार्जिन तो सेम है ना, सोर्स प्राइस आपने कोशिश करना है जितनी, एक बंदे से बात नहीं करनी, हजारों बंदों से बात करो। अगर आप एक प्रोडक्ट देखो, एक प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म चलना होता है, एक प्रोडक्ट जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म चलती है, तो फिर आपको पता है कि मुझे इस पे सेल्स आ रही है, तो आप एक बंदे से तो बात नहीं करोगे ना, आप 1000 बंदों से बात करो, मतलब 1000 का मतलब है कि 10 से 12 या 13 20 लोगों से बात करो कम से कम, जो फिर उनमें से ऑथेंटिक पता लगेगा कि यार ये सबसे कम दे रहा है, तो उसे खरीद लो। खरीदनी कैसे है ये मैं आगे जाके, ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, उस बंदे से प्रोडक्ट खरीदनी कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को हागी दराज की हंटिंग क्लियर हो, कोई भी प्रोडक्ट है आपने दराज पे जाके सर्च करनी है, उससे बात करनी है, क्या पे बात करनी है, और वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपकी हंटिंग क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अलीबाबा के ऊपर। हाँ, अलीबाबा क्यों यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अलीबाबा हम यूज ही नहीं करते, अब हम अलीबाबा यूज करते हैं, मैं दराज नहीं यूज करता। आप देख लो मेरे दराज के ऊपर मैंने कोई प्रोडक्ट जो मुझे मतलब लगेगा यार मैं ज्यादा अलीबाबा यूज करता हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है बड़ा लार्ज क्वांटिटी स्केल का, ठीक है, हम लार्ज स्केल में बिजनेस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने बिजनेस कैसे करना है, अब आप इससे भी पैसा बना सकते हो सोर्सिंग से, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बना सकते हो। अब हम अलीबाबा यूज क्यों करते हैं, अलीबाबा हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप में से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आओगे ना, ये मॉडल जब आप अभी आप इस फील्ड में आओगे, आप सिर्फ दराज से हंटे करो, आपको ये मॉडल ना जो दुकानदार होंगे वो खुद समझा देंगे, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे ना वो कहेंगे यार पीछे से नहीं आ रही, पीछे कहाँ से, हम अलीबाबा से मंगवाते हैं, सारे होलसेलर ही अलीबाबा से मंगवाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अब ये देखो ये दराज के पर ये प्रोडक्ट जो है क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ये कितने की है, 800 रुपये की बेच रहे हैं आप, यार एक ये पता नहीं क्यों आ जाता है भाई उसका सिस्टम। अब आप सिंपल अलीबाबा के ऊपर आ जाओ, अलीबाबा मैंने अलीबाबा ओपन कर लिया, अब हम अलीबाबा से क्योंकि चीजें मंगवाते हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत लार्ज क्वालिटी का है, आप लोग कभी भी अलीबाबा से नहीं मंगवाओगे, ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब अलीबाबा के ऊपर आप सिंपल आके लिखो कि मुझे क्रिस्टल हेयर
रिमूवल रिमूवर चाहिए, मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर चाहिए। तो ये देखो, ये अली बाबा ने आपको बताया कि क्रिस्टल हेयर रिमूवर आपको मिल जाएगा $2.10, $0.88। ये देखो, ये वही प्रोडक्ट है। अब आप सिंपल जाओ, कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर आप देखो $0 कितने का, बल्कि कैलकुलेटर क्यों ओपन करना है, आप सिंपल यहाँ लिखो $2 PKR। तो आप यहाँ लिखो कि 0.88 कितना बनता है, 0.88 कितना बनता है। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट पीछे से अलीबाबा के ऊपर 250 रुपये की मिल रही है। अब नीचे जो और सस्ती मिलेगी, देखो 0.88 की मिल रही है, ये 0.50 की प्रोडक्ट मिल रही है, वही प्रोडक्ट है। देखो सेम वही प्रोडक्ट है, आप बेशक देख लो, सेम वही प्रोडक्ट है। 0.50 देखो कितना बनता है, 0.50। देखो ये ₹142 बनता है, ये सेम प्रोडक्ट, वही बात कर रहा हूँ। देखो सेम, ये 1.10 की मिल रही है, 1.20 की मिल रही है, तो ये 0.47 तक की भी एक बंदा दे रहा है। आप इनसे भी बात करोगे, इनसे बात कैसे करनी, वो भी मैं बता दूँ। 0.4। अब ये जो लोग होते हैं ना, आप जैसे दराज के ऊपर, तो चलो वो दिन में मतलब 5 से 6 घंटे काम करता है, बस अलग, तो वो तो एक्टिव होगा, मतलब 5 से 6 घंटों के लिए एक्टिव है। ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं ये जो सेलर्स होते हैं। ये मतलब इनका सुबह सुबह टाइमिंग होती है, अभी भी आई थिंक सो, अभी तो चलो इनकी फैक्ट्रीज ऑफ हो जाती है, फैक्ट्रीज बैठी हुई है। दराज के ऊपर इंडिविजुअल पर्सन होता है, अली बाबा के ऊपर फैक्ट्रीज होती हैं। ये एक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि एक सेलर इसे सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट का मतलब है कि एक फैक्ट्री चाइना की इसे बेच रही है। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? इसका मतलब है दराज के ऊपर, देखो दराज के ऊपर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है ना, देखो ये प्रोडक्ट मिलती है, इसको एक सेलर सेल कर रहा है, इस प्रोडक्ट को एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा सेल कर रहा है, वो पीछे से बेशक 30 रुपए की ले रहा है, 40 की, वो मसला नहीं है, वो इस पर कितना मार्जिन निकाल रहा है, 200 200 रुपए। लेकिन अली बाबा के ऊपर इस प्रोडक्ट को एक फैक्ट्री सेल कर रही है। तो फैक्ट्री को आप सुबह इस बात को एक्सपेरिमेंट करोगे, टास्क मिलेगा आज, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, आप ये प्रोडक्ट ओपन कर लो, आप ये प्रोडक्ट ओपन करो, आप इनसे निगोशिएट कैसे करना है। अभी ये मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं कहता स्टार्ट करो, लेकिन चूंकि ये आप कल को इंशाल्लाह करें आप ज्यादा ऊपर जाओ, तो आपने क्या करना है कि आप लोग फिर अल्लाह ताला आपके बिजनेस को बहुत एक्सटेंड करे, तो फिर आप यहाँ इस, फिर आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ आना है, और यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट सप्लायर, सप्लायर इसे पर क्लिक करना है। अभी देखना मैंने कितने सप्लायर से बात की होगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना ये आपको कहेगा साइन इन करो, तो मेरा तो वैसे बना हुआ है, आपने सिंपली इसको गूगल, मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। अभी देखना यहाँ चैट्स भी आई होंगी, मैसेजेस भी आए होंगे, मुझे मैंने सीन तक इवन सीन भी नहीं किए होंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब भी आ जाएंगे। ये देखो एक इसने फ्रैंक एक्स ने मुझे मैसेज किया हुआ, अभी देखो ये बाकी कितने ज्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए, ठीक है। ये तो मतलब हम इनसे मंगवाते रहते हैं चीजें। अब ये इस बंदे ने मुझे, मैं इस इनसे फिर आपने ये नहीं कहना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने, इनसे आपने सिंपल बात करनी, क्योंकि आप होल जब आप काम बढ़ जाएगा, मैंने इनसे यही प्रोडक्ट की बात की हुई थी क्रिस्टल की, ये बड़ी बिक रही है मेरी। तो अब देखो इसने मुझे मैसेज किया हुआ कि मैंने इसे बताया था कि मैंने इसे क्या कहा था कि मैंने इसे सिंपल कहा था कि आई नीड 300 पीसेज इन चाइना, मुझे चाइना में ही चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका मैं प्रोसीजर आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि ये आप वैसे यूज तो करोगे नहीं, लेकिन इसके लिए ना आपको ट्रेडर अंदर मिलाना पड़ता है जो चाइना से पाकिस्तान सामान लेके आता है। आप इससे बात, वो ट्रेडर का ना चाइना में वेयर हाउस होता है। देखो मैंने सप्लायर से बात कर ली, मैंने सप्लायर का, मुझे ये जो सामान है ना आपने चाइना के अंदर ही ना 300 पीस मेरा वहां पहुंचा देना, वो कहेगा ठीक है इसके इतने पेमेंट बने, ये सस्ता रेट होता है। अब ये $1.5 को मल्टीप्लाई करो 300 से तो काफी बन जाता है। फिर चाइना जो ट्रेडर होते हैं ना, जो हमारे लोकली बैठे होते हैं चाइना से सामान पाकिस्तान लाते हैं, फिर मैं उससे बात करता हूँ कि मेरा चाइना में ना यार वहां सामान आया, तो आपने उसको पाकिस्तान लेके आना है, वो फिर आपका सामान लेके पाकिस्तान आता है और वो उस पर टैक्स लगता है, कस्टम लगता है। तो इसलिए ये जितनी प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है ना महंगी, ये एक्चुअल में नहीं होता है कि कस्टम लग रहा होता है इसके ऊपर, वरना इन प्रोडक्ट, अब चमन बॉर्डर की एग्जाम्पल ले लो, देखो वहां गाड़ियां कितनी सस्ती मिलती हैं, अब वो जैसे ही कस्टम उसका उनका क्लियर होता है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अब खैर मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे बाबा गए हैं वार्मी में ना, तो उनको तो क्वेटा वाली साइड पे जाते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे जो लैंड क्रूजर होती हैं और ये जो ये वो मतलब इतनी इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं वहाँ कि बंदा सॉरी सस्ती मिलती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, और उधर से बंदा इधर आए लेकिन एक सर्टेन एरिया है आप वहीं चला सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो गाड़ियां जो बाहर जो होता है ना सामान बड़ा सस्ता मिलता है, अब जो पाकिस्तान आगे पर टैक्स लगता है कस्टम लगता है ना, वो चीज महंगी हो जाती है,
ये सारा सिनेरियो होता है। तो इसलिए होता है कि फिर आपको ट्रेडर अंदर मिक्स करना पड़ता है। आप इसे कहोगे कि मुझे फलां जगह पे ना, मेरा शायद मैंने किसी एक सप्लायर को कहा भी हो, ये देखो ये खुद मैसेज करते हैं, मैंने इनको कभी मैसेज नहीं किया, ये देखो खुद इवन मैसेज कर रहे होते हैं, कितने मैसेज कर रहे हैं, मैंने इनको एक मैसेज भी नहीं किया। तो ये क्योंकि फैक्ट्रीज है। अभी देखो मैंने इसे बात ऐसे की, हम ना मुझे ना एक प्रोडक्ट टेस्ट करनी थी, तो मैंने इस बात की, मैंने कहा फर्स्ट टेल मी द प्राइस, आप मुझे प्राइस का बताओ। मैंने कहा आई एम डिजिटल मार्केटर, दैट्स व्हाई आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, बट बिफोर ऑर्डर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द प्रोडक्ट फॉर माय कस्टमर्स, सो आई जस्ट वांट बिटवीन 1 से 10 पेयर। मतलब मुझे 300 से, अभी इस मॉडल में आप जा ही रहे, आपका तो सबका दराज से काम हो जाना है सबका। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल को इंटरनेशनली जाना पड़ता तो क्या करोगे। तो मैंने उसे कहा कि मुझे सिंपल ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे 300 से 400 पीस चाहिए, लेकिन मैं 300 से 400 पीस तब मंगवाऊंगा जब मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 300 से 400 पीस आपसे मंगवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कस्टम लेकिन मुझे मेरे कस्टमर्स को देखना है यार, वो इवन मैं उनको गलत चीज भेजता फिर कोई टूटी हुई है तो वो तो कस्टम ब्रांड खराब होगा ना, तो ब्रांड तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी चीजों पर। तो मुझे क्या करना है, मुझे आप सबसे पहले 1 से लेके 10 पीसेस भेजो टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देन आई विल ऑर्डर द मैक्सिमम क्वांटिटी। कि पहले मैं 1 से 10 पीस चेक करूंगा, वो कहता हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। अब ये उसने मुझे मैसेज किया, कब किया, कि उसने मुझे मैसेज किया 15 तारीख को, 10वां महीना था 2022। 10वां महीना कौन सा बनता है, नवंबर बनता है, अक्टूबर, नवंबर से अक्टूबर बनता है, अक्टूबर को उसने मैसेज किया 15 तारीख। अब देखो मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, अगले दिन उसने मुझे दोबारा मैसेज किया कि ब्रदर हाउ मेनी पीसेज डू यू, अभी तक मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया कि मुझे इसका सोर्स यहीं से मिल गया था। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मैसेज करूंगा, ये मुझे कहेगा ठीक है मैंने निगोशिएट किया था। ठीक है, तो ये चीज होती है कि अभी ये देखो ये एक बंदी बैठी हुई है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लो आप लोगों को मैं साथ रखूंगा। आई नीड दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी। अगर तो ये सीन कर लेती है ना, तो हम मैं आपको इसे निगोशिएट करके दिखाता हूँ। वैसे ये सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं और सबके मैसेजेस आई थिंक से सीन कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये एक्टिव नहीं है, तो इनकी कंपनीज आई थिंक सो बंद होती हैं, तो मे बी समहाउ ये सीन कर ले। अनरीड, हाय डियर, आर यू अवेलेबल, अवेलेबल, आई थिंक सो ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन, वरना ये ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई करते हैं, ऐसे रिप्लाई करते हैं। आप सुबह कभी भी सुबह 10 बजे के बाद इनको मैसेज करो ना, ये आपको सेकंड्स में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज ने ऐसे अली चाइना सर, अलीबाबा पे तो चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही चाइना से हो रही है, तो ये चाइना जितना भी है ये अलीबाबा से चल रहा है, तो ये आप लोगों को सेकंड्स में रिप्लाई देंगे। ठीक है, मैं आज आपको टास्क दूंगा, आपने आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये जो अलीबाबा ने, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये बिजनेस मॉडल में आप नहीं अभी जा रहे, आपको सारा काम लोकली मिल जाएगा, पाकिस्तान के अंदर बड़े सप्लायर्स बैठे हैं जो आपको लोकली सारा काम दे देंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, आपको अलीबाबा समझ आ गया कि अलीबाबा कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, दैट इज जो है आपका लोकल मॉडल, जो तो लोकल सप्लायर। अब ये जो लोकल सप्लायर है ना, मैंने जैसे बताया था हंटिंग के अंदर, हंटिंग फ्रॉम द्रास, हंटिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस और हंटिंग फ्रॉम पता नहीं कौन कौन सी स्टोर्स। तो अब ये जो लोकल सप्लायर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग दराज के ऊपर हर बंदा तो लोकल ही नहीं है, लोकल का मतलब होता है मेरे पास, मेरा जो सप्लायर है वो मेरे पास मेरे घर के पास बैठा हो, लाइक मेरे घर के, मेरे शहर के आसपास हो, हम उसे कहते हैं वो लोकल सप्लायर। ठीक है, वो लोकली काम बैठा हो, मतलब मेरे एरिया में, मेरी रेंज के अंदर हो। ठीक है, अब लोकल सप्लायर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि जो लोकल सप्लायर होता है ना, ये आपको बड़ा फायदा दे के जा सकते हैं। कैसे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप जब लोकल सप्लायर से बात करते हो ना, लोकल सप्लायर हमेशा हमेशा याद रखना आपके साथ निगोशिएट करेगा। ऑनलाइन सप्लायर अभी तक मैसेज रिप्लाई नहीं किया इसने, देखो बाकी जितने भी लोग हैं ना, उन सबको सारे मैसेज का रिप्लाई करते हैं, दो दो तीन तीन दफा करते हैं। एक इसने मेरे से बड़ी निगोशिएशन, ये हमने एक प्रोडक्ट बड़ी ज्यादा शॉर्ट सेल की थी, ये प्रोडक्ट
टेम्परेचर मॉडल थी, तो इसको हमने बहुत सेल किया था। एमओक्यू कस्टमाइज और 10 पीसेस, टेल फर्स्ट टेल मी द प्राइस पर यूनिट। वही देखो, मैं सबको वही पिच देता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सबको सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो, उसने मुझे मैसेज किया 15 को 10 मिनट, फिर उसने मुझे मैसेज किया अगले महीने बाद 3 तारीख को कि तुम खरीदना चाहते हो मुझे। मैं अभी तक सीन करके रिप्लाई नहीं किया उसको, ठीक है। तो ये चाइना वाले बड़ा बिजनेस कर रहे हैं अलीबाबा से। तो क्या होता है कि अब लोकली जो सप्लायर होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तो आप घर के पास बैठा हुआ है, आप उसका नंबर, अब लोकल सप्लायर कैसे फाइंड करना है, आसान तरीके है। आप दराज के ऊपर डिफरेंट सप्लायर से बात करो, उनसे उनकी लोकेशन पूछ लो, आप कहाँ से, ब्रदर मैं आपसे फिजिकली मिलना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आपका फिजिकली वेयर हाउस किधर है, आपकी दुकान किधर है। ज्यादातर ना होलसेलर होते हैं, जो बंदा आपके घर के पास है उससे जाके निगोशिएट कर लो, तो ये लोकली सप्लायर। अब मुझे क्रिस्टल हेयर रिमूवर का लोकल सप्लायर ढूंढना है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान की, लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, शालमी मार्केट है। मैं चुप करके चला जाऊंगा, मैं सबको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, यार ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है आपके पास, ओके का पड़ी हुई है। स्टार्ट में आपको पता है मैं बड़ा जलील होता था इस चीज को, मैं पूरा पूरा शालमी घूमता होता था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब तो मेरे पास बंदे भी नहीं थे कोई एक दो काम करने वाले, मैं तो बड़ा जलील होता था। तो मैं क्या करता था कि मैं वहां जाता था, शालमी जाता था, वहां मदीना सेंटर, मेजोरिटी जो शालमी के सप्लायर है ना वो मुझे जानते हैं, क्यों, क्योंकि मैं उनके पास डेली जाता था काम करने के लिए। फिर मैं उनके पीछे पड़ता होता था कि यार वो कहीं ये वाला काम कर दे, फिर वो मेरे लिए मदीना सेंटर के अंदर, मैं आपको भी बताता हूँ उसका सप्लायर कहाँ पड़ा, वाले हॉल में, मदीना सेंटर के डाउन स्टेयर में, डाउन स्टेयर जाओ, तीसरी दुकान में पठान बैठा हुआ, से कह रहा मुझे हमजा ने भेजा, मुझे इसका 300 पीस चाहिए, वो आपको ऑन द स्पॉट ला के देगा। 12 मार्केट के अंदर मदीना सेंटर के अंदर बैठा हुआ काम किया, पता है भाई बैठा बंदा पड़ा बैठा हुआ पठान है, उसके वालिद साहब भी उसके साथ बैठे होते हैं, उसके साथ 2 पठान होते हैं छोटे भाई उसके, वो बैठे, और एक उसने लड़का रखा हुआ। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, कभी जूता पहन के मस्जिद दुकान में एंटर नहीं होने देगा वो। कहते हैं कि नमाज वगैरह पठान पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, एक पठान ही है जो माशाल्लाह बड़े दीनदार होते हैं, तो वो नमाज वगैरह उन्होंने पढ़नी होती है, तो वो कहते हैं कि जूता पहन के अंदर आना, बाहर से बताओ जो काम, और पठान बड़े सख्त भी होते हैं, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है दोस्त, तो खैर नहीं, तो ये आपको फिर पता लगता है लोकल सप्लायर्स का। अब इसका आसान तरीका क्या, लोकल सप्लायर ढूंढने का, सिंपल दराज देख लो, या तो दराज पे वो प्रोडक्ट अगर सप्लाई मिल रहा है तो सही, नहीं तो पता कर लो हर शहर में ना होलसेल मार्केट होती है, अगर आपके शहर में होलसेल मार्केट है ही नहीं फिर आप दराज से मंगवा लो, दराज के बंदे से। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि एक सप्लायर है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ पाकिस्तान गए हुए, उनके पास हर प्रोडक्ट होती है जो मतलब ऑनलाइन सेल हो रही है। तो इन अगर वो इन उन्होंने ना अप्रोक्सीमेटली, मेरी अभी उनसे बात खैर हुई नहीं, उमर कुरैशी नाम है उनका, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अगर मेरी उनसे बात होती है तो मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने पाकिस्तान कब आना है। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं तो एक ऑर्डर चलान है, तो आप ना सिंपल उनको मैसेज करना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको कहेंगे ठीक है कितने पीसेस चाहिए, तो आप उनको पेमेंट करो, आपको प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा देंगे, बात खत्म। तो लोकल सप्लायर भी मिले, तो पहले आप लोग क्या करना है, दराज फाइंड करो, दराज पे सप्लाई प्रोडक्ट्स जो आप लोगों ने हंट की हुई है उन्हीं के सप्लायर फाइंड करना शुरू कर, ठीक है। अब देखोगे वो सप्लायर आपको सेलिंग प्राइस कितनी देता है, लीस्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस का पूछो कि मुझे ये प्रोडक्ट के 300 पीस चाहिए, मुझे पर पीस कितने का दोगे, फिर उसे निगोशिएट करो, थोड़ा लेस करो, यार मैं बल्क में ले रहा हूँ, इन फ्यूचर मुझे ज्यादा लेना पड़ता है आपसे, ठीक है। फिर आप उन्हीं प्रोडक्ट, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी प्रोडक्ट कितनी बेस्ट है, मेरी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। तो ये सप्लायर दो काम है इस बिजनेस मॉडल में, सोर्सिंग और हंटिंग। हंटिंग तो आप लोगों ने, चलो आप 90%, 99% बच्चे जी सीख ही चुके हैं हंटिंग, अब आपकी रहेगी सोर्सिंग। सोर्सिंग का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने सिंपल क्या करना है, जो लोकल सप्लायर्स हैं या उधर चले जाओ उनसे बात कर लो, या दराज पे कर लो, अलीबाबा पे तो आप कर ही नहीं, वो तो मैंने चलो इंटरनेशनली आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया ना कि आपने अलीबाबा पे करना है तो इस तरह काम करना है। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स इन विच यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ, कि आपने कैसे एक लोकल सप्लायर फाइंड करना है, कैसे दराज पे फाइंड करना है। लोकल सप्लायर का मैंने दोबारा बता देता हूँ कि आप सिंपल मार्केट में चले जाओ, वहां जाके पता करो, लाहौर के जो बच्चे हैं शालम मार्केट में रहते हैं, जो कराची के हैं सदर मार्केट है, हर चीज मिलती है। मैं कहता हूँ लाहौर में, मैं आपको पता है थोड़े दिनों पहले कराची गया हुआ था, क्यों गया था, क्योंकि मेरा सामान, हमारी जो कस्टम, उसका कस्टम क्लियर नहीं हो, वो जो प्रोडक्ट हमने पीछे से मंगवाई थी ना, वो उस टाइम मैं बता देता हूँ मिसाज क्लियर था, हमने चाइना से, अब हमारा काम लार्ज स्केल का है, तो हमें पीसीज मंगवाने पड़ते हैं 3-3, 4-4 हज़ार पीसेज। तो जब हमने वहां से मंगवाया था ना, तब जो डॉलर का रेट था वो 2.75 था, तो अब की बात नहीं, काफी अर्सा पहले की बात है। और उसके बाद जो डॉलर का जो रेट हुआ वो 2.80, आई थिंक सो 80 पे पहुंच गया, वो डॉलर का जब रेट फ्लक्चुएट हुआ है ना, उन्होंने हमारा सामान स्ट्रैक करी, वो कहते पीछे से आई 275 के, आप 280 का हम पेमेंट करो। फिर मैं गया, फिर हमने उनको पेमेंट की, फिर
हमने दोबारा लेटर सेंड करो। स्टार्टिंग में आपको तो इतनी पेमेंट नहीं करनी है, तो आप सारा जो सामान होता है ना, ये सारा सरदर्द जो होता है ये होलसेलर का होता है, वो उसका मतलब मकसद होता है वो सामान ला के अपने स्टोर में रखना, अपने दुकान में रखना। आपने सिंपल जाकर उसे पकड़ लें, यहाँ से कॉल कर लो कि मुझे इतने भेज दो। तीसरा मेथड, होलसेल से भी पैसा बनाया जा सकता है। अब आपको सोर्सिंग समझ आ गई है, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, पहले एक दफा बताओ कि आप लोगों को सोर्सिंग का आइडिया क्लियर हो गया, सोर्सिंग क्लियर हो गई, ठीक हो गया। तीसरा मेथड, घर बैठ के पैसा कमाने का, घर बार जमीनें बेच दो। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं मेथड बताता हूँ प्रॉपर। तीसरा मेथड ये है कि ना, आप लोग मार्केटिंग तो सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, आप सामान बगैर अपने पास रखे होलसेलर भी बन सकते हो। जैसे मैं आपको बन के दिखाता हूँ, अगर आप मुझे कहो ना, अब देखो मैं आपको पता है मैं आप लोगों से बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ। अब आप सब लोग काम करोगे, फर्ज करो मैं कैसे बिजनेस जनरेट करूँ। ये कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ता, लंदन नहीं जाना पड़ता, अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, दिमाग से लाना पड़ता है। अब मैं आप लोगों से कैसे बिजनेस जनरेट करूँ, आपको पता है कैसे? अब आप सबने काम करना है, डेफिनेटली सी बात है आपको सामान चाहिए होगा। जो सामान आपको चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा, या वो मेरे पास होलसेलर तो पड़ा होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। अब फर्ज करो वो होलसेलर मुझे वो चीज 300 रुपए की दे रहा है, मैं आपको वही चीज 350 की देता हूँ। एक्चुअल में मुझे होलसेलर 300 की दे रहा है। क्रिस्टल हेयर रिमूवर की एग्जाम्पल दे रहा है, 300 का नहीं है, अब महंगा हो गया, 700 600 700 का मिलता है। अब क्रिस्टल मुझे पीछे से फर्ज 600 का मिल रहा है, मैं आपसे 650 का देता हूँ। आपको तो डेली के 10 20 ऑर्डर आ रहे हैं, 50 पीस में गाओगे। अब 50 रुपये में आपसे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25। मैंने एक बंदे से एक दिन में 2500 रुपीज कमा लिया। सामान भी मेरा नहीं था, प्रोडक्ट भी मेरी नहीं थी, सिर्फ मैंने आपसे कमा लिया। आप मुझे पेमेंट करोगे, मैं सप्लायर को पेमेंट करूंगा, मैं कहूंगा यार इतने पीसेस के घर भेज दे, 2500 अपना रख के बाकी पैसे मैं उसे सेंड कर दूँ। लोग कैसे करते हैं, लोगों ने फेसबुक पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, दराज होल सेलर्स, ये होल सेलर्स वो होल सेलर, उनको विजिट करो। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ आप लोगों को। दराज और सेलर्स, ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो, ये एक बंदा है। अब ये मैं फेसबुक पे आया, मैंने सिंपल यहाँ सर्च किया आने के बाद कि दराज के होलसेलर्स मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दराज के होलसेलर्स के, अब वो दराज के ऊपर जितने भी होलसेलर्स है देखो वो आ गए सारे पीछे। अब देखो नीचे करते जाओ, आपको प्रोडक्ट नजर शुरू हो जाएगी। अब देखो ये बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास फुल हील पैड, हाफ हील पैड चाइना इंपोर्टेड अवेलेबल, ठीक है, व्हाट्सएप मुझे करो, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा, इसे नीचे आ जाओ। अब ये बंदा ये प्रोडक्ट भी बेच रहा है, कहता है एम क्यू अवेलेबल इन होलसेल रेट, जिसको चाहिए इनबॉक्स करें। ये मनीहा, मनीहा लड़की है, पंजाब कॉलेज में पढ़ती है, पता नहीं लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये बेच रही है या बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सारे किचन की चीजें ये बंदा बेच रहा है, ये कहाँ आ गया है? अच्छा, उसके बाद देखो ये बहुत, इतनी ज्यादा ये प्रोडक्ट सेल हो रही है ना, इतनी ज्यादा कि मैं इसका बता भी नहीं सकता। ये एक वैक्यूम क्लीनर है 2 in 1, ठीक है, अली खान कह रहा है नीड दिस वायरलेस वैक्यूम क्लीनर होलसेल। अब देखो इसको लोगों ने कमेंट भी किए होंगे, इसको 22 कमेंट आया है, इसने सिर्फ पेस्ट किया कि मुझे नीड दिस वैक्यूम क्लीनर, इसकी ये स्टोर, इसका ऑनलाइन स्टोर होगा ना, इसने सिर्फ कमेंट किया कि मुझे इसी प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको देखो कमेंट्स के अंदर कितने कहता है, ये देखो उमर मोहम्मद ने कहा अवेलेबल, प्राइस कहता उमर मोहम्मद प्राइस प्लीज अवेलेबल, अवे देखो इसने प्राइस बताई है कि 1370 रुपये का, अभी कम अज कम ये बेच रहा होगा ना, ये 2400 2500 रुपये का भी आगे बेच रहा है, अपना मार्जिन अच्छा खासा निकाल रहा है। अभी ये देखो इसने कहा अवेलेबल, इसने कहा अवेलेबल, इसने कहा अवेलेबल, प्राइस नीड 30 यूनिट्स, इसने कहा अवेलेबल, अहमद रजा ने बेस्ट क्वालिटी, इसने कहा अवेलेबल। सप्लायर्स की तो कमी नहीं है, आपने सिर्फ मेहनत ये करनी है कि 10 10 20 20 रुपए बचाने हैं, जितने बचा सकते हो। कंजूस मान को कंजूस तरीके उन्हें बताओ कि मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं रोड पे सोता मैं रोड पे सोता हूँ, मजाक कर रहा हूँ,
उन्हें बताओ कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं मतलब आप बहुत प्राइस हाइक है। मैं आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ, मुझे याद आ गई। आपको कोई होलसेल कहता ना कि दिस इज द फाइनल प्राइस, दिस इज द फाइनल प्राइस, उसको कॉम्पिटिशन में ले जाओ। कैसे? आप कहो कि यार, अगर फर्स्ट को एक होलसेलर है, होलसेलर आपको कहते हैं यार मैं ये बोतल आपको 30 रुपए की दे रहा हूँ, और वो अड़ा हुआ है कि मैंने 30 की ही देनी है आपको। अब आप उसे 100 पीसेस लेने चल लेना चाहते हो। आप उसे कहो भाई मैं 3 से 4 बंदों के साथ कॉन्टेक्ट में हूँ, उन्होंने मुझे ऑफर की हुई है। वो हम दुकानों पर जैसे करते हैं कि उन्होंने मुझे ऑफर की हुई है कि आप 70 की, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर दैट। वो फिर खुद ही गैरत खाएगा कि यार वो 30 रुपए की उसने ऑफर की हुई है, वो 25 की दे देगा, 100 पीस वो फिर भी 5 रुपए कमा रहा है, तो यार वो तो 105 मतलब यार वो तो बड़ा कमा लेगा। वो ना उसको कॉम्पिटिशन में लेते, होलसेलर को कॉम्पिटिशन में ले जाओ। एक्चुअल में चीज उससे लेनी, उसको कंफ्यूज कर, उसे कहो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना ये 30 रुपए की नहीं है, मुझे 2800 रुपए की भी सोर्स हो रही है, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, उसे बात कर लो ठीक है। तो कहीं सोर्स किसी मतलब अगर होगा तो किसी का नंबर दे देना कि जहां से आपको सोर्स मिल रहा होगा ठीक है। उसे प्रॉपर कहो कि मैं मुझे पीछे से इतने की मिल रही है तो बताओ मुझे। और ये होलसेलर को इतना काम होता है, ये तो पहले ये सुनते नहीं है, कहते ठीक है कर दो। अब देखो इसने कहा कि एनी होलसेलर हियर काइंडली कॉन्टेक्ट मी, तो उसको 3 कमेंट्स आए कि मैं होलसेलर हूँ। अब ये कैक्टस प्लांट इतना बेबी प्लांट सेल हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये 1000 रुपये का सोर्स होता है। देखते हैं यहाँ कितने का मिलता है, 500 पीसेस क्लियर स्टॉक, रेट अवेलेबल अवेलेबल, यस शाह शिवानी। ये देखो मैंने कहा था ना 1000 रुपये का मिलता है, ये देखो सारी महमूद सदीकी। अब इस बंदे को 1000 रुपये का मिल रहा होगा, उसकी टेक्निक देखो, उसने 1050 रुपये लगाया हुआ है रेट, मतलब वो 50 रुपये रख रहा है। अब फर्ज करो वो बंदा इससे इसका 100 पीस भी उठाता है, ये बंदा इससे 100 पीस उठा, 50 को 50 100 से मल्टीप्लाई करो, 5000 रुपया उसका एक दिन का प्रॉफिट है एक बंदे से। ये फ्री का खाता है, ये फ्री है, ये कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ता। अब ये बैग बेतहाशा सेल हो रहे हैं, अब देखो इसको भी होलसेलर बैठे हुए, आप सिंपल जाके पेस्ट करो कि तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, अब देखो 999 रुपीज का। और ये मुझे पता है ये हम अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं कितने का, हम सेल कर रहे हैं 2200 रुपये पैक ऑफ 5 ठीक है। ये 99 का मिल रहा है, ये मुझे पता है पीछे से कितने का मिल रहा है, इजी सस्ता इससे भी मिल जाता है। प्रोडक्ट का मसला नहीं है, आपको कोई भी ये प्रोडक्ट मेरी सेल हो रही है। अब देखो 14 कमेंट्स इसके नीचे आए हुए हैं कि हमारे पास अवेलेबल अवेलेबल है, प्राइस एंड लोकेशन ठीक है। अब आगे मैं जाके कोटेशन दूंगा, वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट सुननी है आप लोगों को ठीक है, वो ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट सुननी है, वो मैं क्या कहूंगा आप लोगों को। अब कोई भी चीज चाहिए ना, कोई भी चीज चाहिए, वो आप सिंपल इनके ग्रुप्स में जाओ, पेस्ट करो इनके ग्रुप्स में जाने के बाद कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने की चाहिए। वो कहेंगे ठीक है सर हम आपको देने। होलसेलर में तो बेचना ही बेचना है ना, ऑनलाइन बिजनेस में। अब ये तो आप पेज को पूरी रात भी से स्क्रॉल डाउन करते रहोगे ना तो ये पेज नहीं खत्म होने वाला। ये देखो स्टॉक, अब ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये आज आप आज भी हमारे स्टोर के ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट की, सबसे ज्यादा सेल हो रही है ये प्रोडक्ट। इसका नाम है रिमो, इसका रूम में प्लास्टिक नहीं, हमने इसका नाम कुछ और रखा हुआ, क्या नाम रखा है उसका, ईएमए मसाज क्लीनर, ईएमए मसाज क्लीनर इसका नाम रखा हुआ। अब आप इसको देखो, इसने कहा कि मेरे पास अवेलेबल है, अब देखो इसको कमेंट्स आए होंगे, प्राइस बताओ, प्राइस इनबॉक्स आई नीड वन। अभी एक बंदा वैसे ही कह रहा है कि मुझे एक चाहिए, तैमूर गवर्नमेंट मरी कॉलेज सियालकोट, अब कह रहे प्राइस। तो ये फिर इनसे कॉन्टेक्ट, इनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करो। कॉन्टेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका नाम ना होल दराज होलसेलर पाकिस्तान का ग्रुप है, उसके अंदर ये इसका नाम लिखा होलसेलर काशिफ ठीक है, इससे कॉन्टेक्ट कर लो, इसका नंबर ले लो, इन फ्यूचर कुछ लेना पड़ जाता है, इसका नंबर सेव कर लो। अब दराज होलसेलर पाकिस्तान में चले जाओ, ये दराज के अंदर बैठे, इसको हर चीज आपको मिल जाएगी, आपको जो चाहिए, तो आपको सोर्सिंग का मसला ही कोई नहीं है ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो ना यहाँ हर चीज जो आपको चीज चाहिए, यार ये बड़ी सेल हो रही है, ये बॉटल बड़ी सेल हो रही है ठीक है, ये पता नहीं क्या है, ये हर चीज जो आपको चाहिए ना, आप सिंपल इधर आओ, इधर आने के बाद आप सिंपल यहाँ लगाओ कि मुझे यहाँ फोटो एक, आई नीड दिस प्रोडक्ट इन सियालकोट, आप हर होलसेलर आपसे कांटेक्ट कर लें, कम इनबॉक्स कम इन होलसेलर को। आपको आपको होलसेलर नहीं चाहिए, आप बिजनेस ना करो कोई मसला नहीं, होलसेलर को आप चाहिए, क्योंकि वो तो दुकान का किराया भी दे रहा है, वो जिस जगह पे बैठा है उधर का भी किराया दे रहा है, उसने जो गोदाम रेंट पे लिया उसका भी किराया दे रहा है, वो चाइना से पाकिस्तान चीजें मंगवा रहा है, वो उसका कस्टम भी पे कर रहा है, वो चाइना में बल्क चीजें मंगवा रहा है, वो तो चाइना को 3 3 10 10 12 12 लाख पे कर रहा है। तो एक्चुअल में आपको होलसेलर नहीं चाहिए, होलसेलर को आप चाहिए, ये ज्यादा इनबॉक्स क्यों कर रहे हैं। देखो मैंने आपको कितनी एग्जाम्पल दी है, आपने देखा कोई सेलर
वो बंदे से, सॉरी, कोई बायर सेलर से बात करो, सेलर बायर से बात कर रहा है कि इनबॉक्स 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 आओ, हमारे इनबॉक्स में आओ, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। एक्चुअल में देखो कस्टमर साइकिल समझो ना, एक्चुअल में बायर को सेलर नहीं चाहिए, सॉरी सेलर को बायर, आप समझो बायर आपने खरीदना है और मैं सेलर हूं, मैं होलसेलर हूं, सेलर को बायर, बायर को सेलर नहीं चाहिए यार, मतलब खरीदने वाले को बेचने वाला नहीं चाहिए, बेचने वाले को खरीदने वाला चाहिए यार एक्चुअल में। अब मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत नहीं, आपको कि मैं नहीं ले रहा, तो बाहर में जाओ, मैं कह दूंगा मैंने किसको देना, मैं तो दुकान में कराया, बीवी बच्चे ये वो फला फला, वो तो इतने एक लिस्ट बन जाती है फिर। मैं कहता हूँ यार हाँ 25 का ही ले, ले ले बस 25 का ले, ठीक है चार आने आ जाए, कम होलसेलर को बिजनेस की जरूरत होती है, ये होलसेल बड़ा कमाते हैं, बेतहाशा कमाते हैं। आप इस तरह का एक ग्रुप बना लो और आप यकीन करो आप बेतहाशा कमाओगे अगर वो ग्रुप रैंक कर गया। मैं ये बिजनेस करने लगा था, मैं सिर्फ इसलिए नहीं, ये बिजनेस नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी जलालत थी, लेकिन जलालत सेंस ये थी कि लाइक सारा दिन एक्टिव रहना पड़ता था स्टार्टिंग में, जो जिन्होंने मेहनत किया भाई बंदा रख लो जो पूरा दिन एक्टिव हो, कोई मसला नहीं, कमाओगे कितना ये सोचो। फिर आप ग्रुप बना सकते हैं, देखो अब इसने कहा ग्रुप बाय आसिफ, आसिफ खान। अब देखो मैं मजे की बात करता हूँ, अब कोई बंदा 40,000, 40.5 बंदे इस ग्रुप के अंदर एंटर है, मतलब 45,000 बंदा इसने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। अब जिस बंदे ने इसको ज्वाइन किया वो सिंपल ये आसिफ खान से कॉन्टेक्ट करता होगा, आसिफ खान यार मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, आसिफ खान के मसले मसला ही नहीं, आसिफ खान के पास 1,000 सप्लायर पड़ा होगा। अच्छा हाँ मेरे पास पड़ी 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 है, ठीक है, वो कहेगा मेरे पास तो पड़ी हुई है ना प्रोडक्ट, वो कहेगा यार आसिफ खान मुझे ना इसकी 300 पीस चाहिए। अब वो 300 पीस के अंदर फर्ज करो कम से कम 50 का मार्जिन तो ऐसे निकालता है ना, मैंने आपको प्रूफ भी किया, वो बच्चा देखो 1,050 का बेच रहा है। अब वही प्रोडक्ट मैं, अगर आप मुझे कहोगे ना मैं आपको 900 रुपये में ला दूंगा, अब वो बंदा इसके अंदर 50 रुपये मार्जिन निकाल रहा है या 150 रुपये निकाल रहा है वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। तो आपने क्या करना है, आप आसिफ खान से कहो कि आसिफ खान मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना बल्क में चाहिए, तो आपको जब बल्क में कहोगे तो वो अगर 50 रुपये का 100 रुपये का भी मार्जिन रखता है, 500 पीस को मल्टीप्लाई करो 100 से, 500 पीसेस को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है। और भाई ये बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस है ये सिर्फ आप लोगों के ना, ये मैं ये नहीं कह रहा मेरे कोर्स का फायदा है, ये आप 500 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना बनता है, 50,000 रुपया एक टाइम, एक दो क्लाइंट से आप ले सकते इसके, बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना, आप इसका सिर्फ महीने का 500 पीस ही सेल कर दो ना, एक सप्लायर को ना करो, एक को 50 के दूसरे को 50 के, आप महीने का 50,000 सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमा रहे हो। सोचो इस बंदे को कितनी प्रोडक्ट्स की ऑफर आती होंगी और ये कितना कमा रहा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज द बिजनेस, अपना एक पेज बनाओ, वो पेज अभी नहीं बनाना, मैं बताऊंगा कैसे बनाना, उसको रैंक कैसे करना है मैं चीजें बताऊंगा, इसको ट्रिक नहीं आई आती वो कैसे पेज रैंक करना है, ठीक है। तो अब देखो ना इसने प्रॉपर अपना एक बनाया, इसने कोई वेबसाइट भी नहीं बनाई हुई, दराज ई कॉमर्स बिजनेस, और इसने सिंपल लिख लगाया मैं आपको किसकी अपनी वेबसाइट अटैच कर लो होलसेल की, मरी ये वेबसाइट है ये, तो सिंपल इजी सीन है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल मॉड्यूल इन विच यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। सो ये आज का सोर्सिंग का टॉपिक था, अब आप लोगों को टास्क देते हैं काम क्या करना है, एक तो सरफराज इस तरह रोता ही रहता है। अच्छा आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने ना एक एक्सेल की शीट बनानी, जैसे आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की शीट बनवाई थी। अब लो अभी देखो, अब आप लोगों ने ना एक शीट बनानी है, ठीक है, इसका आपने नाम रख देना है कि होल सेलर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने ना ये देखो तब इस तरह रख लो, इतनी शीट बना लो फर्स्ट, सबसे जो टॉप के ऊपर है इसको, मैं काम करोगे तो काम का मजा भी आएगा, ठीक है। आप इधर सर्च करो कि सप्लायर नेम, नेम प्रोडक्ट नेम सबसे पहले, सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम एस यू सप्लायर प्राइस, उसके बाद आ जाते हैं सप्लायर फोन नंबर और सप्लायर सिटी और एड्रेस, ठीक है।
सो दीज आर द फोर कॉलम्स और रोज रोज कह लो या कॉलम्स कह लो, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज आप लोगों ने करना है दराज से हंटिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है, दराज और फेसबुक से। अब जो जो प्रोडक्ट आप लोगों ने ढूंढी हुई है ना, आप लोगों ने हंट करके मुझे सेंड की है, आपने उसके ना होलसेलर्स फाइंड करने, कम अज कम 3 होलसेलर्स फाइंड करने, 3 होलसेलर्स एक प्रोडक्ट के फाइंड करने, ठीक है। बहुत ईजी है, टाइम लगेगा, इसलिए तो मैं 3 दिन की छुट्टी रख रहा हूँ। अब आपकी क्लास हफ्ते को नहीं, अगली क्लास, ठीक है, क्योंकि मैं काम चेक करूंगा प्रॉपर, फिर आपको एनालिसिस करूंगा हफ्ते को। आप लोगों की अगली क्लास है, और वो क्लास होगी हमारी शॉपिफाई के ऊपर। फिर जिन बच्चों ने स्टोर बनवाने हैं वो बनवा लेंगे, जिन्होंने नहीं बनवाए वो उनके जिनके बन के आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे, फिर सबको स्टोर भी डिलीवर हो जाएंगे। तो हफ्ते को आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो प्रोडक्ट नेम आपने पता है क्या रखते हैं, आपकी फर्स्ट करो, प्रोडक्ट नेम है आपका क्रिस्टल हेयर रिमूवर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिस्टल आपकी प्रोडक्ट का नेम रख दो, फर्ज करो कोई भी नेम रख दो यार, प्रोडक्ट नेम क्रिस्टल ईएमएस। अब आप यार क्या बोतल रख दो, बोतल है, टेम्परेचर बोतल है, टेम्परेचर बोतल, ठीक है। ये सर्दियों में आ रही है और गर्मियां आ रही है, बहुत बिकनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सप्लायर से बात हुई, सप्लायर ने निगोशिएट करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, उसने कहा कि पहले 700 शुरू हुआ, 350 रुपया, इतनी इतना नहीं करते, 150 ही कम करते हैं, फर्ज करो 750। उसने कहा कि मैं फाइनल जो है ना 670 की दे दूंगा। तो आपने सप्लायर की प्राइस रखनी है, उसने 670 की आपको बोतल की प्राइस रखी। सप्लायर का फोन नंबर, उसका फर्ज का फोन नंबर 0312345678, ठीक है, ये उसका फोन नंबर है। उसका सप्लायर सिटी कौन सा, एड्रेस कौन सा, वो कहेगा कि मेरा एड्रेस, आप उसे कहो सर मुझे आपका एड्रेस चाहिए, वो कहेगा कि मैं फर्ज करो मैं शाह आलम मार्केट दुकान नंबर 5566 रेंडमली, ठीक है, 12 मार्केट मार्केट इन फ्रंट ऑफ मदीना सेंटर, मदीना सेंटर लाहौर, ये उसका एड्रेस आ गया। प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आ गई, प्रोडक्ट का फोन नंबर आया, और प्रोडक्ट का सप्लायर की सिटी एड्रेस आ गया। अब वो बंदा, एड्रेस भी उसका मौजूद है, फोन नंबर भी मौजूद है, सप्लायर की प्राइस भी मौजूद है, अब आपको मसला ही नहीं, अब आप उसे सिंपल मंगवा लो। लेकिन कैसे मंगवानी है ये अगले टॉपिक में, ठीक है। अभी आप लोगों का ये टास्क है कि आपने ये जो है ना, ये सिंपल ये आप लोगों ने करना है, ये आप लेक्चर आएगा इसको रिवाइज करना, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करके मुझे लिंक भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप लोगों ने सिंपल इस तरह के 3 से 4 एक प्रोडक्ट के फाइंड कर लें। आपसे मुलाकात होगी, जिन बच्चों क्वेश्चन ना हो मुझे सेंड करो, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी संडे को, सॉरी सैटरडे को। सैटरडे का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मैं आप लोगों को शॉपिफाई कस्टमाइजेशन मिलाऊंगा, क्योंकि स्टोर्स तो सबके सेम ही आते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करनी कैसे है, कैसे आपने अपने हिसाब से स्टोर बनाना है, मुझे ये पिंक कलर पसंद है, मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे इस तरह का स्टोर चाहिए, वो फिर आपको मैं खुद सिखाऊंगा, ठीक है। सो आपको हर चीज़ हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको, आपसे मिलते हैं फिर हम संडे, सैटरडे को इंशाल्लाह, सैटरडे को रात 11 बजे। अल्लाह हाफिज़।